खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। हमारा किताबी निसाब देखिए या हमारा जनरल नैरेटिव देखिए, हमारा बयानिया, हम हमेशा मुसलमानों के साथ होने वाले मजालिम और उनकी स्ट्रगल की बात करते हैं और ये बताते हैं कि हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी टू नेशन थ्योरी कितनी मजबूत है। लेकिन तारीख का एक और नैरेटिव भी है जो इस बयानिए से मुकम्मल इख्तलाफ रखता है जो हमें हमेशा बताया और समझाया गया। एक प्रोफेसर हैं, राइटर हैं, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, जिनकी चंद किताबें अब मंजर आम पर आई हैं और उन्होंने तारीख का ऐसा नैरेटिव पेश किया है तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ कि जो पाकिस्तान के आइडिया को चैलेंज करता है। आज हमने डॉक्टर इश्तियाक को ही जहमत दी है कि हम उनसे बात कर सकें और समझ सकें कि उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं। डॉक्टर इश्तियाक साहब स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी स्वीडन में प्रोफेसर एमेरिटस हैं, लम्स में पढ़ाते रहे हैं और अपनी किताबों पर बेतहाशा अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। इनकी लिखी हुई बातें पढ़े लिखे हलकों में और तारीख समझने वालों में एक सनद की हैसियत रखती हैं। तो और वक्त ज़ाया किए बगैर डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। इश्तियाक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इस मीटिंग को हम चार हिस्सों में रिलीज करेंगे और चार हिस्सों के ही सवाल हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान के बनने के मुहर्रिकात, तो उसमें ब्रिटिश का किरदार, उसकी आइडियोलॉजी पे बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरे हिस्से में हम जिना साहब के किरदार को, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, उनकी रोशनी में डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। तीसरे हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि ईस्ट पाकिस्तान का जिक्र किया जाए। जाहिर है, जब तक उसका जिक्र ना हो तो जो पाकिस्तान मुकम्मल था उसकी कहानी पूरी नहीं होती। और आखिर में कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो हम सिलसिला शुरू करें? हाँ जी, मुनासिब है, बिल्कुल। इश्तियाक साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप मुझे ये समझाइए, वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना एलिफेंट इन द रूम, उसे पहले बाहर निकालते हैं कि पाकिस्तान नेशन स्टेट है या पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है? ये एक आइडियोलॉजिकल नेशन स्टेट है। देखिए, स्टेट्स की दो थियोरीज, वैसे तो बहुत वेरिएशंस हैं, दो बेसिक थियोरीज हैं कि पीपल हु लिव इन अ टेरिटरी, ऑल ऑफ देम इंक्लूसिव, आर पार्ट ऑफ द नेशन। इसे कहा जाता है टेरिटोरियल नेशनलिज्म। और दूसरी नेशनलिज्म इज बेस्ड ऑन योर डिसेंट, ऑन योर लैंग्वेज, ऑन योर कल्चर, ऑन योर रिलीजन, कुछ भी वेरिएशन हो सकती है। तो पाकिस्तान की जो नेशन है, टू नेशन थ्योरी की जो बुनियाद है, वो मुसलमानों का एक अपना ईमान कह लें, मजहब कह लें, दीन कह लें, जो भी आप पसंद करें टर्म, वो है कि बिकॉज ऑफ आवर फेथ वी आर अ नेशन अपार्ट। और आइडियोलॉजिकल स्टेट ये इसलिए है कि जो स्टेट किसी रेस के ऊपर या किसी एक खास सिलेक्टिव गिवन के ऊपर बनती है, वो आइडियोलॉजिकल स्टेट ही होती है। वो आइडियोलॉजी भी हो सकती है, जैसे कि कम्युनिस्ट स्टेट्स बनी, उसका सिर्फ ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एक्सटर्नल थ्रेट्स से लोगों को बचाना, और तीसरे जो उनके अंदर मामलात हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ रिजॉल्व करना। इसके अलावा अगर कोई स्टेट एक्स्ट्रा अपने पे ले लेती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान इज अबाउट द सेल्वेशन ऑफ मुस्लिम्स, सो इट्स नॉट सिंपली इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सो ऑन, एक्चुअली मच लेस, इट इज अबाउट प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ्स फॉर द लाइफ इन द हेयर आफ्टर। तो ये एक कॉम्बिनेशन है ऑफ एन आइडियोलॉजिकल नेशन स्टेट। इश्तियाक साहब, ये बताइए कि कयाम पाकिस्तान के असल मुहर्रिकात हैं, जब हम पढ़ते हैं कि मुसलमानों को खतरा था, फिर इस्लाम को खतरा हुआ, लेकिन आपकी बड़ी अलग फाइंडिंग्स हैं इसके ऊपर। अगर आप सिर्फ मुझे ये समझा सकें कि कयाम पाकिस्तान के आपकी फाइंडिंग्स के मुताबिक असल मुहर्रिकात क्या थे। देखिये, बात यह है कि अंग्रेज तो उनका जो प्लान था ना, मैंने जिन्ना वाली किताब में भी दोबारा कोट किया है कि जब लॉर्ड वेवल सेकेंड लास्ट वाइसरॉय आए हैं, तो जो आउटगोइंग वायसराय थे लॉर्ड लिलिथ गो, उन्होंने कहा वी आर हियर फॉर अनदर 30 इयर्स, सो दैट इज 1943, सो लेट्स से 73, ठीक है। और वो भी उनका था कि 30 साल के बाद देखेंगे कि आगे हमने क्या करना। हुआ ये कि वो सारी सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो जीत तो गए जंग, लेकिन उनकी इकोनॉमी स्मैश हो गई, उनकी इंडस्ट्री जीरो हो गई और भूखों पड़ गए थे अपना ब्रिटानिया के लिए। तो इन्होंने अपनी कॉलोनीज को जल्दी जल्दी करके छोड़ा, मतलब साथ ही थी सिलोन जो अब श्रीलंका है, वहां पे तो कोई फ्रीडम स्ट्रगल हुई नहीं, वहां पे वो खुद ही छोड़ के आ गए, नो फ्रीडम स्ट्रगल देयर। हमारे यहाँ तो बड़े सालों चली है ना, बिकॉज दे हैड नो मींस टू मेंटेन
एन एम्पायर, लेकिन ये जरा बता दो, इन्होंने जाते जाते फिर अपने फिर भी इंटरेस्ट यूं देखा कि हाउ डज लीविंग द सब कॉन्टिनेंट सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट। और वहां पे इनका देखे, हर नेशंस के अपने अपने झगड़े होते हैं। अंग्रेजों का झगड़ा जब से ये इंडिया में आए थे, बल्कि उससे पहले 1833 ऑनवर्ड्स अगर आप इनकी स्टडी करते रहे, तो ग्रेट गेम इन्होंने तब से शुरू कर दी हुई थी जब तक अभी पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा नहीं था किया। और फिर 1857 के बाद 1849 में पंजाब इन्होंने रणजीत सिंह की गवर्नमेंट जो थी सिखों की वो छीन ली। 1857 में बहादुर शाह जफर और वो मुगल एम्पायर का जो फसाड़ था वो खत्म हो गया। तो इन्होंने रावलपिंडी को अपना हेडक्वार्टर बनाया ऑफ द नॉर्दर्न कमांड, जहां से ये सारी रूस को कंटेन करने की पॉलिसी बनती थी। मसलन वो जो है रडयार्ड किपलिंग, जैसे नोबेल प्राइज भी मिला है ना 1911 में या कुछ, उसकी एक मशहूर किताब है किम, तो उसमें बताया गया कि कैसे ये मोहब्बत अली, महबूब अली और ये लोग भेजते थे सेंट्रल एशिया में घोड़े खरीदने वाले, बट एक्चुअली दे वर ब्रिटिश एजेंट्स जो वहां से लाते थे। उसके बाद आ गया रशियन रेवोल्यूशन, तो ना सिर्फ वो रशियन थ्रेट रहा, वो एक आइडियोलॉजिकल थ्रेट टू वेस्टर्न कैपिटलिज्म भी हो गया। तो इस तरह जाते जाते वक्त उनका ख्याल था अभी भी सब कॉन्टिनेंट में इनके लिए इस इलाके को चलाना मुमकिन नहीं होगा, इनको हमारी मदद होगी। मगर जब उन्होंने देखा कि नेहरू और कांग्रेस और उसका जो लेफ्ट विंग है वो प्रो सोवियत थोड़ा सा खम खाता है, तो उन्होंने कहा कि इधर से मिस्टर जिना जो हैं ये तो पहले ही तैयार हैं कि हम बरतानिया के कॉमनवेल्थ में रहेंगे। और फिर वो जो आर्मी का इनका अपना एक थिंक टैंक होगा, उनकी मैंने कोट की है वो स्टेटमेंट 12 मई का जो मेमो है जी, जो आपने पढ़ी है, मेमो मेमोरेंडम है, वो क्लियरली है कि पाकिस्तान बनता है तो हमें वहां पे कराची पोर्ट फैसिलिटीज, पाकिस्तान एरियल एयरफील्ड्स और मैन पावर डिमांड करनी चाहिए। वेस्ट पाकिस्तान के लिए था उसका, क्योंकि मेन इंटरेस्ट तो था ना मिडल ईस्ट का ऑयल, इस इलाके में तो भूख नहीं थी, इसको छोड़ देना इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम प्रेस्टीज वाइज, यस। दूसरा प्रॉब्लम यह था कि इसके छोड़ने से फौज कहां से रिक्रूट करेंगे आइंदा अपनी जंगों के लिए। तो वो जिना साहब ने खुद ही कह दिया कि जी वी विल बी इन द कॉमनवेल्थ। तो लास्ट मोमेंट मेरा ये आर्ग्यूमेंट है, डिसीशन फिर इस हक में हो गया कि पाकिस्तान बनाओ। और वहां पे मैंने कोट किया है जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सर फ्रांसिस टकर की एक 1946-47 की स्टेटमेंट है कि वी शुड क्रिएट एन इस्लामिक आर्च एक्सटेंडिंग फ्रॉम अल्जीरिया इनटू डेजर्टा अरेबिया इनटू टर्की एंड नॉर्दर्न हिंदुस्तान ऑफ अ मुस्लिम स्टेट आर्म्ड विद इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड ब्रिटिश साइंस। ये उसमें मैंने वो भी कोट किया अगर आपने किताब में देखा है। तो वहां पे फैसला हुआ कि नहीं अब इसे आप पार्टीशन करो, पाकिस्तान सर्व करेगा हमारे इंटरेस्ट को। तो दूसरी बात है कि जब फिर उन्होंने ट्रांसफर कर दी पावर, तो अमेरिकन ने उन्हें किक आउट पूरे इलाके से कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान ने रुख कर लिया अमेरिका का। इस्तेहार साहब, आपकी बात से सवाल उठता है कि जब अंग्रेज ये प्लान कर रहे थे तो हमारा नैरेटिव, मुसलमानों का नैरेटिव ये था कि अगर हम अंग्रेजों के अंडर रहे या हिंदुओं के साथ रहे तो पहले मुसलमानों को खतरा है। ये नैरेटिव फिर आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो गया कि नहीं, इस्लाम को खतरा है। तो ये नैरेटिव भी आपकी फाइंडिंग्स के अंदर, ये नैरेटिव ऑर्गेनिक था, ये वाकई मुसलमान फील करते थे, ये भी अंग्रेजों ने ऑर्केस्ट्रेट किया था? नहीं, अंग्रेजों के ऑर्केस्ट्रेट करने का तो बैकग्राउंड में जरूर होगा कि अब आपने क्या कहना है, लेकिन इसको बार बार मैं तो कहता हूं एड इनफिनिटम, यानी यू कांट इवन काउंट। ये जिना साहब ने अपनी हर तकरीर में कहना शुरू कर दिया था कि इस्लाम विल बी एनाहिलेटेड, दिस इज द वर्ड एनाहिलेटेड, मतलब वेरिएशंस हैं, कहीं एनाहिलेट का इस्तेमाल किया, कहीं क्या दे वुड बी वाइप्ड आउट, यानी ही यूज्ड एक्सट्रीम लैंग्वेज। हालांकि उस पर भी मैंने आर्ग्यू किया है और आने वाली जिना किताब में भी, कि ये एक बिल्कुल अनकन्विंसिंग बात है। सुने आप, बड़ी मेहरबानी आपने, बड़े अच्छे सवालों से ये सारा बात। ये है कि मुसलमान कॉन्सेंट्रेटेड थे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट जो है और नॉर्थ ईस्ट आर द टू एंट्री पॉइंट्स इनटू द सब कॉन्टिनेंट, समुद्र छोड़ दें आप जी, और यहाँ से सारे हमले इधर से हुए हैं नॉर्थ वेस्ट से,
नॉर्थ ईस्ट से क्या हमले होने थे, हाँ जी, वो तो पॉपुलेशन मूवमेंट हुई है गरीब लोगों की, हाँ जी, ऐसे ही हुआ। यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेटेड थे। इंडियन आर्मी जो है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, दो आर्मीज थी, एक थी ब्रिटिश आर्मी जो ऑल वाइट ट्रुप्स, ऑल वाइट ऑफिसर्स थे, दे वर नॉट मोर देन 50-55,000 एनी टाइम इन इंडिया। जो इनकी मेन आर्मी थी वो नेटिव्स को इन्होंने रिक्रूट किया था, और उसमें भी इन्होंने बड़े, मतलब इनकी मानना पड़ेगा इंपीरियल पॉलिसी, किस ग्रुप को कहाँ लाना है, किसको ऐसे लाना है कि इनके टेंशन भी रहे और इकट्ठा सर्व भी करें। यह सारी वेरी वेल कैलकुलेटेड, किस कास्ट को हमने मार्शल कहना है, किसको हमने मार्शल नहीं कहना, उसके पीछे रिकॉर्ड जाता था कि 1857 में किन ग्रुप्स ने हमें अपोज किया, किन लोगों ने हमारा साथ दिया। तो इस तरह वो इंडियन आर्मी के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2.5 मिलियन पीपल वर सर्विंग फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, और उसमें 38-42% वर मुस्लिम्स, ऑफ विच द मेजोरिटी वर फ्रॉम पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अच्छा, एक ऐसी आर्मी जिसमें 38-42% ये मुसलमान होंगी, और आपको पता है कि यूपी के अंदर जिसकी मुसलमानों की पॉपुलेशन 14% थी, कुछ कहते हैं 15 बट नॉट मोर देन दैट, 50% पुलिस जो थी वो मुसलमान थी। कलकत्ता के अंदर, बॉम्बे के अंदर इन्होंने बड़े बड़े पठान और बड़े बड़े पंजाबी रखे हुए थे उन लोगों को दबाने के लिए। तो मुसलमान पंजाब की पुलिस, सारी इंडियन पुलिस में भी अपनी परसेंटेज से ज्यादा थे। इस किस्म की स्टेट कभी किसी एक मजहब की नहीं हो सकती, ये आप याद रखें, और वो भी मुसलमानों को सप्रेस करना तो वैसे ही आसान नहीं है कोई। और कांग्रेस का मुझे कहीं एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला, उनके लीडर्स का एक नहीं मिला जहां पे उन्होंने ये कहा हो कि हम हिंदू स्टेट बना रहे हैं। उनकी सारी डेक्लेरेशन ये है कि वी आर ऑल इंडियंस एंड वी विल फाइट फॉर द फ्रीडम, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगी उसमें सबका हिस्सा होगा। तो आप अब इस पे आप जो मर्जी, अब देखें ना, फेयर जनरेट करने से, तभी तो मेरी ये आइडिया गैरिजन स्टेट का जो है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि यू, एक तो होता है ना थ्रेट, एक होता है थ्रेट को एग्जेजरेट करना। कहीं थ्रेट भी होगी माइनॉरिटीज के प्रोविंसेस में, शायद होती होगी, मगर वहां पे फिर अगर वो, तो आप वहां छोड़ आए और वहां के मुसलमानों को तो वहां छोड़ आए जहां पे आप कह सकते हैं थ्रेट है। और अब जब हिंदू नेशनलिस्ट आ गए हैं तो वो नजर भी आ रही है कांग्रेस ने, और उनपे तो इल्जाम ये है कि ये माइनॉरिटीज को अपीज करते रहे और हिंदुओं को उन्होंने इग्नोर किया। तो ये अगर आप देख लें जो है एक्चुअल डिटेल्स, फैक्ट्स जो है, नथिंग शोज के आइदर कांग्रेस हैड सच अ प्लान और इट वॉज इवन पॉसिबल कि आप मुसलमानों को इनहाइलेट कर दें। तो ये ऐसी कोई बात है ही नहीं थी, और माफ करना हिंदू मिजाज भी ऐसे नहीं है, वो कोई कन्वर्ट करने वाला मजहब तो है नहीं ना। वो तो रसूल अल्लाह को भी अवतार मान रहे थे जी, जी। कि वो भी अल्लाह की वो क्या कहते हैं, और हजरत अली को भी मानते हैं, कैन यू। तो ये हिंदुइज्म में इस किस्म का उनका अपना जो है ना जबर अपने लोगों पे है, दलित पे। मेरा अगला सवाल कुछ और था, लेकिन क्योंकि आपने ये बात की हिंदुओं की, लेकिन ये नैरेटिव तब्दील होता नजर नहीं आता कि अब जब मोदी गवर्नमेंट में है, बीजेपी के साथ, हम घर वापसी के बारे में सुनते हैं आरएसएस का, कि ये तमाम मुसलमान पहले हिंदू थे, इन्हें घर वापस लाना है, हिंदू करना है। तो और आप अभी कह रहे थे कि उनकी आइडियोलॉजी है ही नहीं कन्वर्ट करने की, तो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी है आपस में, ठीक है? नहीं, इट्स नॉट कॉन्ट्रोडिक्टरी। आप बुद्धिज्म देख लें, इससे ज्यादा पीसफुल रिलीजन कौन होगा। श्रीलंका में उनके बुद्धिस्ट मंक्स ने किया है सारी मूवमेंट को, बुद्धिज्म के श्रीलंका को, सिलोन से श्रीलंका करो, बुद्धिस्ट स्टेट बनाओ। और ये जो हुआ है अपना म्यांमार या बर्मा में मुसलमानों के खिलाफ रोहिंग्यास के, ये बुद्धिस्ट लोगों ने नहीं किया। देखो, ये दौर एक और आ गया जहां पे आप एक पीसफुल मजहब को भी आप एक वायलेंट मजहब बना सकते हैं नेशनलिज्म की सर्विस में। ये किसी ने सोचा नहीं था, लोगों का ख्याल था कि नेशनलिज्म आ गई है और रिलीजियस जो थी वो बात खत्म हो गई है। इट्स द अदर वे अराउंड। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। हिंदुइज्म ने 20, देखे ना, बात सुने यार, वी हैव टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपने अब चांस दिए और आप खुद रोशन ख्याल आदमी है। क्या वाजपेयी साहब नहीं आए और वो लाहौर मीनार पे नहीं चले गए, पाकिस्तान के मीनार पे, और वहां पे उन्होंने कहा कि हम आज तक
इस तकसीम के खिलाफ थे, लेकिन अब हम मानते हैं कि हम दो मुल्क हैं, हमें पीसफुली रहना चाहिए। हमने वहां पे क्या किया, लाहौर अकॉर्ड हुआ, सबको पता है। हाँ जी, इन्होंने वहां पे कारगिल कर दिया। ऐसे ही है। अच्छा, अब फिर देखें, मोदी भी, ही इज अ मैन फ्रॉम द स्ट्रीट्स, वाजपेयी तो पोएट थे ना, वो भी आ गया था, वो कोई शादी थी इनके घर नवाज शरीफ के। अच्छा, वो बेचारा गया है वापस, तो इन्होंने पठानकोट कर दिया। तो अगर आप उनको इस तरह चैलेंज करते रहे, कश्मीर जिहाद होता रहा है और वो वहां पे ओपन, पंजाब के कम से कम हर मस्जिद में, जामा मस्जिद में चंदा कलेक्ट होता था कि आप जिहाद के लिए पैसे दें, तो बात यह है कि दूसरे रिएक्ट कभी नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान, हिंदुइज्म की जो पॉजिटिव है ना, वो है अकोमोडेटिंग, एडजस्टिंग, मगर इट डजंट मीन के दे डोंट रिएक्ट। मेरा अगला सवाल दोबारा कुछ और था, लेकिन आपकी बात से एक चीज जो मेरा ख्याल है क्लियर होनी चाहिए, आपने दो बार कोट किया कि वाजपेयी साहब यहाँ पर आए, इन्होंने कारगिल कर दिया, मोदी साहब यहाँ पर आए, इन्होंने पठानकोट कर दिया। ये जो आप कह रहे हैं इन्होंने कर दिया, ये इन्होंने कौन? यार आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खुद भी जानती है, सब दुनिया जानती है, यानी इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और गैरिसन स्टेट का नाम क्या है, मतलब दैट इट इज, मैंने उसमें लिखा है, वो दोबारा कह देता हूँ कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसीज पे हमारी मिलिट्री का वीटो पावर है। वीटो पावर मींस दे कैन ओवर रूल एनीथिंग, और वो अब तो बिल्कुल साफ जाहिर हो गया। चलिए फिर मुझे ये बताइए कि मुस्लिम लीग, उसका किरदार क्या था? आपने तो पहले अभी नाम लिया उबैदुल्ला सिंधी का और उस तमाम लॉट का कि उनकी स्ट्रगल, जी जी, मुस्लिम लीग की कोई स्ट्रगल थी? नहीं, उनकी स्ट्रगल जो है मुस्लिम लीग बुनियाद ही तब बनी है जबकि कांग्रेस ने देखा, कांग्रेस को भी तो अंग्रेजों ने बनाया था ना, लिबरल विंग ने, कि ये एक इंडियंस में भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, इतनी बड़ी स्टेट हम जब रन करेंगे तो सम डायलॉग शुड गो ऑन। जो कंजर्वेटिव अंग्रेज थे वो इसके खिलाफ थे कि ये अनफिट है फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इनको तुम रूल ही कर सकते हो, इनको इंक्लूड मत करो। लेकिन कांग्रेस जब फिर आ गई, प्लेटफॉर्म आ गई, तो उसने डिमांड करना शुरू कर दिया कि भाई बर्तानिया ने तो हमें ये सिखाया है कि आप जब रूल करते हैं तो बीच में लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मोर इंडियंस शुड बी गिवन जॉब्स इन द रनिंग ऑफ इंडिया, जिस वजह से क्रिएट किया गया था उससे ज्यादा इनका एजेंडा बढ़ता गया। वहां से फिर जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने उसको और मैस पार्टी बना दी कि वी विल नॉट ओनली पिटिशन, वी विल डिमांड मोर राइट्स फॉर इंडियंस। एट दैट पॉइंट ब्रिटिश ऑलरेडी वर गेटिंग अपसेट विद द कांग्रेस, अभी गांधी वॉज नॉट इन द फील्ड। तो मुसलमान जो नॉर्दर्न इंडिया के लैंडलॉर्ड थे, और ये सर आगा खान की लीडरशिप में इन्होंने वाइसरॉय को मिले, और वहां पे इन्होंने कहा कि मुसलमान जो हैं, और ये आर्ग्यूमेंट एक हद तक सही भी थी कि इन अ जनरल इलेक्शन मुसलमानों के चांस कम होते हैं इलेक्ट होने के, तो हमें आप अलग रिप्रेजेंटेशन दें। इसको फिर अंग्रेज ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया ना, उन्होंने रिजर्व कर दिया इनके लिए सीट्स, और उसमें ये हुआ कि मुसलमान नेशनल स्ट्रगल से अलग होके अपने कम्युनल राइट्स की तरफ आ गए। अब क्या सर आगा खान और बाकियों ने ये खुद सोचा था या अंग्रेजों ने इन्हें समझाया था कि ये करो अब तुम? ये बिहाइंड द डोर जो चीजें मूव्स होती हैं वो कभी मंजर-ए-आम पे नहीं आती, बट यू कैन वर्क इट आउट के अगर इन्होंने ये किया था तो व्हाट सूटेड द ब्रिटिश, व्हाई नॉट लेट्स गिव देम सेपरेट रिप्रेजेंटेशन एंड रिमूव देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्या कहते हैं जो एक मूवमेंट बन रही थी। इश्ताल साहब, अगर आप अपने 12 मई के मेमो का आपने पहले भी जिक्र किया, अगर उस पे आप कुछ रोशनी डाल सकें, क्योंकि फिर मेरे अगले सवाल उसको फॉलो करेंगे। देखिए ऐसे है, इससे फिर एक साल एक दिन पीछे जाना चाहिए जी। वो है 11 मई 1946 जो सुप्रीम कमांडर थे ना सब कॉन्टिनेंट के लिए ब्रिटिश, वो थे सर क्लॉक ऑकिनलेक, बाद में जून में उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया। हाँ जी, तो उनको ये टास्क दी गई कि भी अगर पार्टीशन होती है तो क्या पार्टीशनड इंडिया इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन और नॉट। तो वो भी आप देखें किताब के अंदर, वो पूरा मेमोरेंडम है, वन आर्ग्यूमेंट फॉर वन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान दे रहे हैं। इन द एंड ही सेज के पाकिस्तान को इसलिए ना बनाए कि पाकिस्तान एक छोटा सा होगा
मुल्क, और इससे जो हमारी मेन है इंडिया को प्रोटेक्ट करने की जो हमने चीज तैयार की है वो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वो डिवाइड हो जाएगी। और हमारा इंटरेस्ट जो है वो तो मलेशिया से होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक जाता है, जहां पे इंडियन सी पोर्ट्स की हमें जरूरत होगी। तो हम इंडिया को भी नाराज नहीं करना चाहते ना, मतलब इस तरह पार्टीशन करके। तो तब फैसला ये था, लेकिन मैंने वहां लिखा है कि जनरल वेन जो थे ये डेटन आई डू नॉट, यानी उन्होंने तब भी डिसएग्री किया कि ये जो इनकी कंक्लूजन है ये गलत है। तो वहां से एक विंग ब्रिटिश आर्मी का, मिलिट्री का कह लें, इस हक में था कि पार्टीशन हो जाए। कांग्रेस को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, नेहरू और इसकी सोशलिज्म और एंटी इंपीरियलिज्म ये हमें शायद तंग करेंगे, बट जिना इज प्रो वेस्ट प्रो ब्रिटिश और हमारी हर बात ये मानते रहे हैं। मैंने जिना को कोट किया उसके अंदर कि अगर माउंटबेटन ने कहा कि भी आप तैयार रहें कि अगर आपकी एप्लीकेशन आती है और हिंदुस्तान फिर भी कॉमनवेल्थ से बाहर रहता है तो मे बी वी रिजेक्ट योर एप्लीकेशन, बिकॉज हाउ कैन वी एडमिट अ स्मॉल कंट्री एंड एलियनेट अ बिग वन, वो तो फिर खुद ही चले जाएंगे सोवियत यूनियन की तरफ। तो वहां पे आई कोट मोहम्मद अली जिना सिंह के वी विल गो टू द ब्रिटिश पीपल टू द कॉमनवेल्थ सिंग हाउ कैन अ लॉयल पीपल हु हैव नेवर एवर अपोज्ड ब्रिटिश रूल, ये मैंने उनकी ये वर्बेटिम स्टेटमेंट है, कैन बी केप्ट आउट ऑफ द कॉमनवेल्थ, और मिस्टर चर्चिल हैज अश्योर्ड मी हिज सपोर्ट, वो सारा इसी किताब में जिसको आपने पढ़ लिया है उसमें दोबारा चेक कर ले। तो उनको यही था कि ये मुसलमान माइनॉरिटी में है, कमजोर मुल्क होगा और डिपेंडेंट होगा ऑन एक्सटर्नल सपोर्ट, वेयर विल दे गो, सोवियत यूनियन की तरफ। उसके तो दो ही थे ना, सोवियत यूनियन और द वेस्ट, और वेस्ट की लीडरशिप तब तक ब्रिटिश थी, उसके बाद अमेरिकन हो गए। तो फिर ये समझाइए कि जो आप बात कर रहे हैं ये एक शख्स हमें उस वक्त करता नजर आता है, वो थे मौलाना आजाद। तो ये मौलाना आजाद, ये कैसे हुआ कि उन्होंने तो इस चीज को समझ लिया, डीकंस्ट्रक्ट भी कर लिया और वो समझाते भी रहे, और हमारी कयादत, जिसे हम हमारी कयादत कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, मुस्लिम लीग की कयादत हो या सराहा खान हो, जिना साहब, वो लोग सोते रहे, उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये मैं क्या कह सकता हूँ, हर इतने वो मुदब्बर लोग थे, अपने अपनी कम्युनिटीज का कोई हेड था, ये एक बहुत बड़े लॉयर थे, यानी जिना साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, इनको बात समझ नहीं आ रही होगी, इस पे हम क्या राय रख सकते हैं। हमें तो इतना ही पता है कि इन्होंने जो किया है वो हम सामने ले आए हैं। मौलाना आजाद का एक वो भी मैंने अपनी किताब जिना की वाली किताब में लिखा है, 1941 या 40-41 में, आई थिंक 40-41 में, एक टेलीग्राम है कॉन्फिडेंशियल के, ऐसे करते हैं, हम एक नेशनल गवर्नमेंट बनाते हैं जिसमें हाफ मुस्लिम लीग होगी हाफ कांग्रेस होगी, और हम वो नेशनल गवर्नमेंट जो है ना डिमांड करते हैं ब्रिटेन से, आप हमारा साथ दीजिए। और इन्होंने फिर वो जो एक होती है ना कॉन्फिडेंशियल, उसको पब्लिक कर दिया, खुद ही अखबारों में छुपा दिया और लिखा कि तुम एक पोस्टर बॉय हो कांग्रेस के शो में, कांग्रेस के, और यानी के उनको दुदकारा, जिसे कहते हैं हमने दुदकारा, उसका बड़ा पोलाइट था, इन्होंने उसे दुदकारा कि जो मुसलमान मुस्लिम लीग के बाहर हैं वो गद्दार हैं, दे आर रेनिगेट्स टू इस्लाम या मुस्लिम्स, इस किस्म की हार्श स्टेटमेंट इन्होंने दी। लेकिन जो हकीकत है वो अब एक कुछ लोग देख रहे थे। अच्छा, आप किताब में आप देखेंगे कि मुसलमान जो थे ना कमजोर, यानी ये जो आर्टिजन होते हैं जिनकी जमीन के साथ रिश्ता होता है, उनको पता था हम कहाँ जाएंगे, तो उनकी तंजीमें थी बहुत कई कई, आई मीन उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी अप्रैल 1940 में, इमीडिएटली आफ्टर लाहौर रेजोल्यूशन, जहां पे उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान हमारा उतना ही घर है, हम यहाँ ही रहना चाहते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने दो पार्टीज को अपने लिए इस्तेमाल किया, यानी उन्होंने कहा कि इसके बाहर जो भी सियासत होगी हमने उनको मानना ही नहीं है। ये मुझे बताइए कि आपके, मैंने चंद इंटरव्यूज देखे और किताब में भी आप जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान को बफर स्टेट के तौर पे बनाया गया। बेशक, और बनी भी है, बफर ही बनी है ना, एक स्टेट जिसके दरमियान 1200 किलोमीटर हो और उस बेचारी के कोई अपने रिसोर्सेज भी ना हो। वेस्ट पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं थी,
और ईस्ट पाकिस्तान तो बहुत गरीब था, उसको डिफेंड करना ही इम्पॉसिबल था। बल्कि कैबिनेट मिशन प्लान में जो डिस्कशन हुई है मैंने पूरी डिटेल दी है, वो तो कहते थे डिफेंड कैसे करोगे। मगर जाते जाते जो विंग था ना चर्चिल वाला और मिलिट्री वाला, उन्होंने कहा डजंट मैटर, आने दो, वील डू दैट फॉर देम। तो जो पाकिस्तान बनाया गया, अगर पूरा पंजाब दे देते वो, तो फिर इंटरनेशनल बॉर्डर तो गुड़गांव पे बनता ना, जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, और वो दिल्ली के गर्दन पे बनता, 15 किलोमीटर दूर है वहां से दिल्ली। लेकिन वो फिर अगर आप इंडिया की पार्टीशन मजहब की बुनियाद पे करवाएंगे, तो उन्होंने कहा फिर पंजाब और बंगाल की भी इसी बुनियाद पे होगी। तो वो बॉर्डर फिर लाहौर की गर्दन पे बना, 18 किलोमीटर बाघा है और सियालकोट शायद 20 है, और ये गुजरात और गुजरांवाला और ये सारे विद इन 30 किलोमीटर्स इवन लेस है। तो एक लैंड वॉर में एक पूरा इंडिया, उसके आप देखें कहां तक उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। हमारी तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ ही कोई नहीं है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ का भी हमने कॉन्सेप्ट बिल्कुल नॉनसेंस इस्तेमाल किया है। ऐसे ही है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू नॉट बिहाइंड यू। यानी नेपोलियन भी नाकाम हो गया, हिटलर भी हो गया, क्योंकि रशियन जो मेन सिटीज थी 1200 किलोमीटर अवे, एंड रशियन विंटर एंड स्नो एंड आइस, उन्होंने इन दोनों को डिफीट किया। अरे लाहौर ने तो वहां ही रहना है, सियालकोट ने वहां ही रहना है, तो पीछे तो नहीं ना होती आप स्ट्रेटेजिक डेप्थ। आप अफगानिस्तान में चले भी जाएं तो लाहौर को वहां कैरी कर जाएंगे, आप ले जाएंगे। तो वी हैव नो आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट्स वी यूज एंड व्हाई दोस शुड बी यूज्ड। ये जरा एक और बात हो गई है, मगर आपके सवालों से मुझे इनकरेजमेंट हो रही है, तो जो भी मुझे एकदम आ रहा है मैं बताता जा रहा हूँ। प्लीज लाइव होना चाहिए ना, कोई तैयारी की जरूरत नहीं है जी। ऐसा ही है अगेन, फिर आपकी आपने जो बफर स्टेट का जवाब दिया, फिर दोबारा वही सवाल उठता है जिसका आप पहले जवाब दे चुके कि हमारी क्या आदत सो रही थी, उन्हें मतलब नहीं, उन्हें पता था कि वो अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदुस्तान से मुल्क ले सकते हैं ना, सो क्यों रही थी। वो अपनी लीडरशिप बनवाना चाहते थे कि आई एम नॉट सेकंड टू गांधी, बल्कि मैं ऐसा लीडर हूं जो कि गांधी से भी बड़ा है। गांधी बेचारा तो जब हुई है इंडिया की पार्टीशन, वो तो कलकत्ते में मुसलमानों के पास बैठा हुआ था। खुद ये गवर्नर जनरल बन गए, भी आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजबूत करें, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट तो सेरेमोनियल होता है भैया, ऑल पावर रिजाइड्स विद द प्राइम मिनिस्टर। ही बिकेम गवर्नर जनरल बट एक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर एज वेल, बोथ ऑफिसेस वर कंबाइंड इन हिम अंटिल ही फेल इल एंड लेफ्ट। हम जिना साहब और लियाकत अली खान के पूरे किरदार को सेकंड पार्ट में डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। अब मुझे ये समझाइए कि आप अपनी, चले वो दोबारा आ जाएंगे। अच्छा। आप अपनी किताब में लिखते हैं कि जब ये बफर स्टेट के तौर पे बनाया जा रहा था, तो अफगान जिहाद, कम्युनिज्म, ये सब भी अंग्रेजों के जहन में था। तो अंग्रेज क्या चीज है, इतने अकलमंद, इतनी दूर के सोचने वाले। आप ये देखें कि ये जो हुआ है ना अफगान जिहाद, जो आम पेपर पे खबर है वो तो यही है कि CIA ने और सऊदी अरेबिया ने स्पॉन्सर किया ये वो, मगर जिनको ये वहां से लाए हैं वो रिटायर्ड अफगान हैंड्स एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स, कर्नल्स एंड ब्रिगेडियर्स, जो बूढ़े हो गए थे लेकिन दे न्यू एवरी इंच ऑफ अफगानिस्तान। तो सारा अफगान जिहाद की भी जो सारी है ना मूवमेंट्स और ये और जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वो ब्रिटिश के जरिए से हुई है। ये बताइए कि जिना साहब ने और मुस्लिम लीग ने क्या मजहब को इस्तेमाल किया अपने सियासी फायदे के लिए? बेशक, और क्या करते इस्तेमाल, आप बताएं मुझे। अगर अपने अलग मुल्क लेना है तो मजहब ही करेंगे ना इस्तेमाल। ये तो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है। ये नहीं कि एक दफा वो 11 अगस्त की स्पीच में जहां पे इस्लाम का कोई जिक्र नहीं है उसको लेके ये बैठ जाते हैं। ही कुड नॉट हैव गॉट पाकिस्तान विदाउट Using the Islamic card, यार ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, वरना कैसे इतना बड़ा मुल्क टूटता, 15 मिलियन लोग घरों से बेघर होते, 1 मिलियन लोग मारे गए हैं। क्या आसान था कि दो मुल्क बन जाए? वो क्या कहते हैं, वलवला कह लो, एक जोश कह लो, एक मैस कॉन्शियसनेस प्यार, जब आप तैयार करते हैं वो फिर आपके बस की बात नहीं रहती। इश्तियाक साहब, पाकिस्तान के एक वजीर आजम थे मुईन कुरैशी साहब, जिन्हें हमने अमेरिका से इम्पोर्ट किया था। हाँ जी, हाँ जी। उनकी उनका एक बात हसन निसार साहब, बहुत बड़े सहाफी हैं, वो नकल करते हैं कि मुईन कुरैशी फरमाया करते थे, nobody died for Pakistan, a lot of people died because of Pakistan।
आई थिंक दैट इज 100% ट्रू। और मेरी पंजाब की किताब शायद आपने नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी है। अगर वो पढ़ी है तो मोइन कुरैशी का तो मैं जानता नहीं, ये तो मेरी फाइंडिंग ही ये है। मैंने तो आज तक उसे ये शहीद वाले चक्कर में नहीं डाला। हर इंसान जो मारा जाता है, जिसके घर में मातम हो जाता है, उसका दुख करना चाहिए। ये ऐसी शहीद का टाइटल दे के मुसलमानों ने कुर्बानियां दी और अपने घर बचाते हुए, ये तो के अजीज ने भी लिखा था कि नोबडी डाइड फॉर पाकिस्तान, दे रैन फॉर देयर लाइव्स। ये वो के अजीज हैं जो सारी उम्र पाकिस्तान और ये इसके हक में रहे, लेकिन एक जमीर जब जाग जाता है तो जमीर का तो फिर जवाब ही नहीं ना है। फिर वो उन्होंने जाते हुए मर्डर ऑफ हिस्ट्री किताब उन्होंने लिखी है। अगर हम अलाहाबाद एड्रेस की बात ना करें तो मेरा ख्याल है वो बात मुकम्मल नहीं होगी, क्योंकि इकबाल को ही हम मुसव्विर पाकिस्तान कहते हैं, यही पढ़ाया गया कि उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। मैंने कुछ किताबों में इकबाल के वो लेटर्स भी पढ़े हैं जिसमें उन्होंने अपनी उस तकरीर से खुद को डिटैच किया और ये वजाहत दी कि मैंने कब कहा था कि मैं ब्रिटिश से अलग हूंगा या ऐसा कुछ। हाँ जी, हाँ इसमें जी, क्या फाइंडिंग्स हैं? नहीं बिल्कुल आपकी मुनासिब बात है। वो ऐसे है कि इकबाल जो है उनको पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया, ही वाज नॉट इनवाइटेड। तो जो मुस्लिम लीग के माइनर लीडर थे ना इलाहाबाद के, उन्होंने उन्हें बुला लिया कि यहाँ पे आप एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस दें। और वहां पे मशहूर है कि लोग ये बार सारा दिन जा जाके तो मुसलमानों को जब उनकी दुकानें बंद हुई तो तब लेके अंदर आए हैं कि कोरम भी हमारा पूरा नहीं था हो रहा। वहां पे इन्होंने जो तकरीर की उसमें यही था कि नॉर्थ वेस्ट के मुसलमानों का एक अलग मुल्क हो विद इन और विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर, ये कोई थोड़ी सी इन्होंने ऐसी बात की। उसके बाद अंग्रेजों का कोई थे उनका महल, मैंने पूरा नाम मेरी किताब वाली जिना में आ रहा, ही रोट इट इन द टाइम्स ऑफ लंडन के ये तो जो है इकबाल इस रिवाइविंग पैन इस्लामिज्म। तो देन इकबाल रोड के नहीं जी, कैसे हो सकता है मुसलमान जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के बाहर कैसे अपने आप को तसव्वुर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मेरा ये मकसद नहीं था, बल्कि हमारा तो था कि हम हरावल दस्ता होंगे, फ्रंट लाइन होंगे ब्रिटिश एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्थ वेस्ट से अटैक। नॉर्थ वेस्ट से अटैक उसके बारे में अफगान किस जोगे थे, ही मेंट द सोवियत यूनियन। ये है कि इकबाल ने पहले कहा और फिर बाद में विड्रॉ भी कर लिया। लेकिन फिर 37-38 में उनके खतूत हैं टू जिना, जिसमें कहा है कि आप पाकिस्तान की डिमांड करें और शरिया को आप मॉडर्न तरीके से इंटरप्रेट करें, तो वो बाद में उन्होंने उसको चेंज भी किया। तो ये 38 का है उनका जो लास्ट बिफोर ही डाइड। और आपको क्या लगता है कि ये तब्दीली उनमें क्यों आई? बात है कि यार बैकग्राउंड में क्या क्या बातें उस जमाने में हो रही थी ये आप भी जानते हैं, जो पब्लिक में तो कभी भी नहीं आएंगी, ये कहीं से तो कुछ स्ट्रिंग पुल्स हो ही रहे होंगे ना। फ्रीडम मूवमेंट में देखे 1929 को एक नॉट श्योर 1931 एक लेटर है जून में जिना साहब का टू द फर्स्ट लेबर प्राइम मिनिस्टर रेमजे मैकडॉनल्ड, वेर ही सेज कि आप जल्दी से हिंदुस्तान को डोमिनियन डिक्लेयर कर दे, वरना ये जो कांग्रेस है ये डिमांड कर रही है हिंदुस्तान की आजादी और सारे हिंदुस्तानी जो हैं, सारे अवाम उनके साथ। ये बातें पहले भी होती रही हैं और तब अलबत्ता अंग्रेजों ने कोई ज्यादा वक्त नहीं दी जिना साहब को, लेकिन बाद में ललितगो जो है वाइसराय, उन्होंने कहा कि अगर जिना हमारा साथ ना देते तो शायद हमें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ता सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आई हैव कोटेड इट इन द बुक, वर्बैटिम कहते हैं फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। सो इट्स ब्रिटिश वाइसराय सेइंग इट। क्या इन्होंने क्यों किया? बिकॉज कांग्रेस में जिना साहब का ये ख्याल था कि लीडर वो थे, आके लीडरशिप गांधी ने छीन लिया उनसे, दैट इज अ पर्सनल ग्रीवेंस आप कह लें, जिनको उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए फिर बाकी आर्गुमेंट्स भी ढूंढी। जिना साहब की पर्सनालिटी पे अगेन हम सेकंड पार्ट में उसको तफसील से बात करेंगे। ये मुझे बताइए, आयशा जलाल साहिबा एक हिस्टोरियन है, वो अपनी किताब में लिखती हैं कि जिना साहब के पास पाकिस्तान का न तो कोई विजन था ना वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे, वो पाकिस्तान के आइडिया को बार्गेनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, इसको ये अब मेरी किताब में आई हैव गॉन इन डिटेल विद व्हाट शी हैज आर्ग्यूड, ठीक है, और मैं सारी डिटेल्स यहाँ पे बात नहीं करना चाहता। दो बातें हैं कि पाकिस्तान का कोई विजन उनके पास नहीं था, शी इज करेक्ट, दैट इज ऑब्वियस, एनीबॉडी वुड टेल यू दैट। दूसरा कि वो बार्गेनिंग करना चाहते थे इज
एब्सोल्युटली इनकोरेक्ट, अच्छा बिल्कुल इनकोरेक्ट है। मैंने वो सारी स्पीचेस जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बार बार जो कांग्रेस प्रोपोगंडा कर रही है कि मैं बार्गेनिंग चिप्स के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ, वो बिल्कुल बकवास है। वी आर सीरियस, वी वॉन्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया टू गेट पाकिस्तान। आयशा जलाल ने वो सारी जो है ना उनकी अपनी स्पीचेस, वो उनकी किताब में है ही नहीं है। मेरा ख्याल था किताब आएगी तो ये धमाका हो, लेकिन आपने आज मुझसे खुलवा लिया, तो अभी तो अब 6 हफ्ते के अंदर किताब आ रही है। इट्स अ फैक्ट जी। लेकिन आपके पिछले सवाल के जवाब में आपने कहा कि जिना साहब अंग्रेजों को लिखते रहे कि डोमिनियन बना दो, और अब आप कह रहे हैं कि वो पार्टीशन चाह रहे थे। 31 की बात है यार, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है, इंडिया से क्विट इंडिया मूवमेंट और ये सारी हो रही है, तो द ब्रिटिश आर ऑन द बैक फुट, सिंगापुर में आ गए हैं जापानी, वो तो अपना बर्मा तक बॉम्बिंग कर रहे थे, तो हालात बदल गए थे, पता लग रहा था कि ये आइंदा क्या होगा इस इलाके में। जो 31 में होता है वो 40 में जब लाहौर रेजोल्यूशन आ जाता है तो पूरा सिनारियो ही बदल गया। आखिरी बात वहां पे ये सारे, वहां पे ये बदला है ना इन्होंने सारा अपना सोच। अगेन ये भी उन्होंने खुद बदली, या आपके ख्याल में इसके भी कोई एविडेंस है कि ये भी पीछे से कुछ स्ट्रिंग्स पुल किए गए? यार ये इम्पॉसिबल थिंग है ना। आप क्या कहते हैं कि ब्रिटिश ने जो इतने 12 वॉल्यूम मैंने उनके इस्तेमाल बहुत डिटेल में किए हैं, वुड यू दे विल से के वी सेड दिस टू जिन्ना टू से दिस एंड दे, ये कौन कहेगा? और आपको पता है कुछ चीजें जो है वो कभी रिटन भी नहीं होती, वो पार्टीज में, प्राइवेट मीटिंग्स में, ड्रिंक के ऊपर की जाती हैं और वहीं रह जाती हैं। लेकिन कभी कभी डॉट्स भी तो कनेक्ट होते हैं ना। डॉट्स तो कनेक्ट हो ही रहे हैं ना किताब के अंदर, मैं दिखा रहा हूँ। वो तो आपका काम है ना अपनी एनालिसिस को इस्तेमाल करें कि ये अगर हो रहा होगा तो कैसे हो रहा होगा। मसलन एक मैं बात बता देता हूँ, मैं ये भी चाहता था किताब में ही आए। 1938 में इन्होंने ब्रिटिश जो गवर्नर थे ना बॉम्बे के, उन्हें कहा है कि फ्रॉम नाउ ऑन आई विल यूज कम्युनलिज्म एज माय मेन कार्ड टू मोबिलाइज मुस्लिम्स। उससे पहले तो मैंने असल जिन्ना साहब का एक पीरियड है जिसे मैंने कहा है कम्युनिटेरियनिज्म, वे ही वाज फॉर मुस्लिम राइट्स बट विद इन अ यूनाइटेड इंडिया। वो जब तब्दीली हुई है, जब 1937 का इलेक्शन हुआ है और यूपी के अंदर फिर कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती के जो इन्होंने मुस्लिम लीग को अकोमोडेट नहीं किया, वहां पे फिर और भी कई चीजें, वो किताब में आप पढ़े, अब सारी किताब का तो यहाँ पे नहीं ना हो सकता जी। बल्कि आप यूं मत ना ही करें ताकि फोकस में रहे बात, ठीक है, हर डिटेल को नहीं लेना चाहिए। ठीक है इश्तियाक साहब, आखिरी सवाल इस हिस्से का, जब दंगे हो रहे थे, जब वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ आर्म्ड, तो मैंने कहीं पढ़ा एक आर्ग्यूमेंट देने वाले देते हैं कि दंगे बेसिकली मुसलमानों ने कलकत्ता से शुरू किए थे, आपकी इन सब के बारे में क्या फाइंडिंग है? नहीं नहीं बिल्कुल सही है, 100% सही है, लेकिन बात यह है कि जब इन्होंने शुरू की है तो तब दूसरी पार्टी ने भी उतना ही मुकाबला किया और आखिर में शायद ज्यादा मुसलमान मारे गए हैं। और उसके बाद जो ज्यादा जिक्र इंडिया में नहीं होता, जिसका मैंने पंजाब वाली किताब में किया है, कि उसके बाद जो फिर वन साइडेड कत्लेआम मुसलमानों का बिहार में हुआ है, कोई 5,000 से 7,000 मार दिए, और उसके अंदर वहां की लोकल कांग्रेस गवर्नमेंट भी पार्टी टू इट, हाँ जी इन्वॉल्व थी। वो तो जब जवाहरलाल नेहरू वेंट देयर और वहां पे उन्होंने तकरीरें की हैं, तो तब अमन वहां पे कायम हुआ है। तो बिहारी जो थे उन्होंने, कांग्रेस की भी पार्टी जो उसका गवर्नमेंट थी, उसने उस कत्लेआम में पूरा साथ दिया, लेकिन शुरू मुसलमानों ने किया, बात हो रही है शुरू किसने की है, और उसके अंदर जो तकरीरें हैं, जो इनके बयान है, वो सारे मेरी जिना की किताब में आ रहे हैं, लिहाजा वहां से ये भाग नहीं सकते। जिना साहब का कमाल ये था कि खुद वो एक एट द टॉप बड़ी क्या कहते हैं बैलेंस सी बात करते थे, और उनके जो लोअर ऑर्डर है वो जो चाहे करते जाते थे, एंड ही कुड ऑलवेज क्लेम के भी मैंने तो ये कहा है। ये उनका एक तरीका था, तरीका वारदात आप कह लें, कि अपने आप को लीगली करेक्ट रखा जाए मगर बाकियों को करने दिया जाए। ये अब क्योंकि किताब में आ रहा है तो ये छुपाने वाली बात तो नहीं ना है, अब तो ये बात आ ही रही है। हाँ जी, इस हिस्से में मेरे पास आपके लिए यही सवाल थे, मैं आपको इस हिस्से के आखिर तक लाना चाह रहा था, पार्टीशन तक। अगले हिस्से में हम जिना साहब को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, अगर इस हिस्से के आखिर में आपने कोई क्लोजिंग कमेंट्स देने हैं तो प्लीज।
नहीं, काफी हो गया, अगली आप बात कीजिए। हाँ ठीक, सबसे पहले तो मुझे जी ये बताइए कि आपके पहले पार्ट की तमाम फाइंडिंग्स और तमाम बात के बाद ये चीज नजर आती है कि जिन्ना साहब शायद वो नहीं थे जिस तरह हमें किताबों में पढ़ाया गया। वो अंग्रेज का साथ भी दे रहे थे, कहीं कहीं उनसे लड़े भी, बात भी की। तो अगर आप हमें कैटेगोरिकली समझा सकें कि जिन्ना साहब अंग्रेज के सारे प्लान से बेखबर थे या वो उनके साथ इस्तेमाल होते रहे। बात यह है कि जिन्ना साहब का जो पहला किरदार है ना, वो तो बड़ा नेशनलिस्ट है, और अंग्रेजों के साथ उन्होंने ठीक ठाक उनके बयान मैंने दिए हैं जो कि आउटस्टैंडिंगली नेशनलिस्ट हैं एंड वेरी क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश। तो ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब हमने ये जिन्ना पे किताब लिखनी शुरू की तो आई सेड आई शुड बी फेयर टू द मैन एज एज ही इज। तो जिन्ना का जो अपना पहला करेक्टर है वो बड़ा नेशनलिस्ट है, इंडियन नेशनलिस्ट का। वो कब वहां से शिफ्ट करके कहाँ चले गए वो किताब के अंदर पूरी मैंने ट्रेस की है उसकी बैकग्राउंड। इसमें कोई शक नहीं कि वो उस जमाने के बड़े लीडर थे, लीडरशिप क्वालिटीज उनमें थी। उनको फिर किसने इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए, वहां पे कौन था जो कर सकता था? ब्रिटिश ही कर सकते थे ना। देखो, ब्रिटिश का मसला ये था, दे वर नॉट प्रो जिना, दे वर एंटी कांग्रेस, एंड दे वर एंटी कांग्रेस बिकॉज कांग्रेस वॉन्टेड द फ्रीडम ऑफ इंडिया एंड द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। अगर इसके बरक्स मुस्लिम लीग कर रही होती फ्रीडम स्ट्रगल हिंदुस्तानियों के लिए, और कांग्रेस होती जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो इक्वेजन एक और बन जाता। सो अंग्रेजों का चॉइस जो है वो तो उनकी अपनी इंटरेस्ट की बुनियाद पे होगा ना। तो मुस्लिम लीग का तो एक अपना था कि इन्होंने फिर हर वो नारा लगाया जिससे कि मुसलमान एक डर की सूरत में रहे। जिना साहब को जब हम पढ़ते हैं या उनपे जो तनकीद की जाती है कि उनकी पर्सनल लाइफ में मजहब का कोई खास किरदार नहीं था, मैं उनकी जी पर्सनल लाइफ पे बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये जी तब्दीली उनकी पर्सनैलिटी में किस तरह आई कि मजहब उनके पर्सनल लाइफ में तो कोई किरदार नहीं रखता, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने मजहब को इस्तेमाल करते हुए एक मजहबी रियासत बना दी। बात यह है कि लोगों की पर्सनल किरदार और उनका सियासी किरदार जो है वो कई दफा बड़ा अजीब सा होता है। मसलन ये मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। मसलन हिटलर वाज अ वेजिटेरियन, और उसने अपने इर्द गिर्द एक छोटा सा फार्म बनाया हुआ था जिसमें छोटे छोटे शीप और लैम्ब और ये रखे हुए थे। तो अगर कोई उसे वहां जाके देखे तो इससे ज्यादा पीसफुल इंसान तो कोई नहीं हो सकता ना। लेकिन वैसे उसने ऐसी जंग की कि 50 मिलियन लोग यूरोप में मारे गए, 25 मिलियन साउथ ईस्ट एशिया में। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन द टू? लोगों की पर्सनल जिंदगी एक होती है, उनकी एक अपनी सियासत जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए मैंने, जैसे आप भी कह रहे हैं कि जिना साहब की प्राइवेट लाइफ पे सिर्फ उतना ही जिक्र किया है जो कि पोलिटिकली इंटरेस्टिंग है। 4-5 वर्षन है कि किन्होंने इन्हें जिना साहब को बताया कि कैसे क्या करना है मस्जिद के अंदर जाके। मसलन एक किताब में नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल किया है, ये एक है कि बरेलवी उलमा थे अपना अब्दुल हामिद बदायूनी, उनका क्लेम है कि ट्रेन में वो जिना साहब के साथ थे तो उन्होंने उन्हें समझाया कि ऐसे अपना हाथ बांधते हैं, ऐसे फिर सजदे में जाते हैं, तो ही लर्न द रिचुअल्स। फिर यहाँ पे पंजाब के थे, वो हिंदू घराने में पैदा हुए, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर, बाद में वो मुसलमान हो गए थे। के एल गाबा, कुंदन लाल गाबा, ही बिकेम खालिद लतीफ गाबा। वो उन्होंने लिखा है कि कैसे, वो कहते हैं मैं लेके गया इन्हें जामे मस्जिद लाहौर में, और पूरे बताया कि पहले आपने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन लोगों ने अब ऐसी मिथ्स बना दी हुई है। मसलन सफदर महमूद साहब ने कहीं किसी किताब में से कोट किया है, और वो पाकिस्तान में बड़ा माना जाते हैं एज अ एकेडेमिक और जिना स्कॉलर और पाकिस्तान स्कॉलर एंड सो ऑन, के एक दफा मौलाना हजरत मोहानी गए बॉम्बे और जिना साहब के घर चले गए। तो वो नौकर ने कहा कि आप बैठे हैं, वो जरा अभी आ रहे हैं। तो वो बैठ गए तो जिना साहब तो नहीं थे आ रहे। तो उन्होंने कहा यार ये तो दिस इज नॉट जिना, वो तो जब टाइम दिया होता है तो इज पंक्चुअल देयर। तो उन्होंने, वो उठ के खड़े हो गए और देखा एक दरवाजा सा खुला हुआ है। तो कहते हैं मैंने दरवाजे से अंदर देखा तो जिना साहब मुसल्ले पे लेटे हुए हैं और धाड़ धाड़ अल्लाह के सामने कर रहे हैं कि मेरी मदद करो, या जो भी अल्लाह से वो कर रहे हैं।
अब उन्होंने बना दिया कि जिना वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट मुस्लिम बट अ वेरी पायस मुस्लिम। तो जिना साहब की जो आप चाहे स्टोरी ले आते हैं आगे। अब मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि जी वो सिलसिला कादरिया में सुन्नी हो गए हुए थे। एक मुझे खुद पीर फैमिली के मिले, उनका नहीं जी वो चिश्तिया ऑर्डर जो थे सुनियों के उसमें हो गए थे। 40 साल से मेरे बुजुर्गों के साथ उनकी कम्युनिकेशन हो रही थी और मुमकिन है कोई ऐसा खात खुद। जिना हैड द ग्रेट विजडम के हर एक को खुश रखो, तो उन्होंने कर भी दिया होगा बिकॉज रिलीजियसली ही वॉज नॉट यानी वेरी सीरियस अबाउट इट। वैसे जो हमें पता है कि जब वो इस्माइलियत उन्होंने छोड़ी है या उन्हें निकाल दिया गया है तो वो अश्नाशरी शिया हुए, लेकिन बाद में मजलिस में किसी जाने का कोई उनका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मिलादुल नबी में गए हैं क्योंकि मेजोरिटी मुसलमानों की सुनियों की थी। तो जिना साहब हैड अ वेरी प्रैक्टिकल, उसे कहते हैं अमेरिका में कहा जाता है सिविक रिलीजन, रिलीजन इन द सर्विस ऑफ द स्टेट। हम यहाँ कह सकते हैं रिलीजन इन द स्टेट ऑफ इन द सर्विस ऑफ पॉलिटिक्स। जिना साहब ने पोलिटिकली इस्लाम को इस्तेमाल किया है। जिना साहब के बहुत सारे बयान और बहुत सारे स्कॉलर्स ये लिखते हैं कि वो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। कहीं वो 11 अगस्त की तकरीर भी करते हैं और कहीं वो ये भी कहते हैं कि हमने हमारे लिए शरीयत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। जी तो जिना साहब, अगर मैं सवाल को इस तरह पुट करूं, वो खुद अनक्लियर थे या वो हमें अनक्लियर बना रहे थे? नहीं, ही वॉज वॉट इज नोन एज ए थोरो ब्रेड पॉलिटिशियन। उन्होंने हर वो बात की है जो उनको उस वक्त, देखें वो बेसिकली उनका जो ओरिएंटेशन थी वो वकील की थी कि कैसे केस जीत रहे हैं, और केस में आप वही आर्गुमेंट्स देते हैं जो जरूरी नहीं दुरुस्त हो लेकिन कोर्ट में वो आपके कामयाब आ जाते हैं। तो इस तरह ही उन्होंने लोगों को जैसे ग्रुप आया वैसी बात कर दी। मसलन तायरा मदर अली खान, ये मदर अली खान, ये तायर तारिक अली के की वालदा जो है, ये पुराने कॉम्युनिस्ट हैं अपना लाहौर के मशहूर लोग हैं। तो इनकी वालदा ने मुझे कहा कि 46 में जिना साहब आए हुए थे पाकिस्तान लाहौर, तो मेरी भी मुलाकात हो गई। तो वो कहते हैं यंग लेडी आई हैव हर्ड यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान। उन्होंने कहा मिस्टर जिना यू वॉन्ट टू डिवाइड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट। एंड वो कहती है ही सेड टू मी डोंट यू वरी माई यंग लेडी इन द मॉर्निंग यू विल बी इन लाहौर, इन द इवनिंग यू विल गो टू अमृतसर, दैट्स हाउ वी विल हैव इट। तो ये भी बयान है कम्युनिस्टों को, और जो देखा कि वो इस डिवीजन के हक में नहीं है वहां पे ये बयान है। इनको कहा कि पाकिस्तान का नारा क्या ये लगाते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जैसे लिया था हिंदुस्तान वैसे लेंगे पाकिस्तान, यानी कि बाई फोर्स। ये सारे नारे मेरी पंजाब वाली किताब के अंदर है, इन्होंने खुद नहीं लगाया, डजेंट मीन एनीथिंग। यही तो कमाल है पॉलिटिशियन का कि अपनी आर्गुमेंट को वो विद इन द लॉ रखे और बाकियों को करने दे जिससे उसका मकसद पूरा हो रहा है। और सियासत जो है, वैसे माफ करना, बाकी सियासतदान भी शायद ऐसे ही करते हैं, किसी और पे आएंगे तो तब भी ऐसे होगा। मसलन गांधी ने राम राज को क्यों इस्तेमाल किया, उस पे इल्जाम है ना, तो ये था कि हाउ टू ब्रिंग द मासेस इनटू द मूवमेंट। अब उस पे इल्जाम ये है कि वो हिंदुज्म को ले आया, लेकिन बात सुने 1937 में जब गांधी जी को बुलाया गया बिहार में, जब पहली कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है, कि आप खिताब करें ये जो मेंबर हैं लेजिस्लेचर के कांग्रेस के, तो वहां उन्होंने कहा कि, और ये इट्स ऑन रिकॉर्ड, ये भी मैंने कोट किया है, लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्णा आर मिथिकल फिगर्स एंड नॉट पार्ट ऑफ हिस्ट्री, एंड द आइडिया ऑफ गवर्नमेंट विच आई हैव इन माइंड इज दैट ऑफ अबू बकर एंड उमर। तो पॉलिटिशियन ये करते हैं, मकसद ये है कि क्या मजहब को इस्तेमाल डिवाइड करने के लिए किया जा रहा है या लोगों को एक जगह लाने के लिए किया जा रहा है। महात्मा गांधी ने अपनी इवनिंग प्रेयर्स का शुरू किया था थ्रू कोटेशन फ्रॉम द कुरान की वर्सेस होती थी, बाइबल होती थी, फिर गीता होती थी, और शायद कोई और दो एक दो मुकद्दस किताबों का। और उसमें वो ये ढूंढते थे कि सबके अंदर जो ह्यूमनिज्म की बात है ना, प्यार की, वो एक्सेप्ट की जाए। तो मजहब को तो उन्होंने भी इस्तेमाल किया है, मगर मकसद क्या था ये एक और बात है। जिना साहब ने हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, एंड आई एम नॉट सेइंग ये गलत है ये सही है,
आई एम सेइंग दिस वाज द पर्पस एंड दिस वाज द मोस्ट इफेक्टिव वेपन कह लें, टूल कह लें, इंस्ट्रूमेंट कह लें, एंड दिस इज हाउ पॉलिटिक्स इज, कि यू यूज एन आर्ग्यूमेंट टू मोबिलाइज पीपल. लेकिन मेरी जो बात है कि एवरीथिंग हैज कॉन्सिक्वेंसेस, ये लोग भूल जाते हैं ना. जिन्ना साहब ने 11 स्पीच 11 अगस्त की स्पीच करके क्या ख्याल था जो 7 साल वो कहते रहे हैं वो लोगों की कॉन्शियसनेस से दूर हो जाएगा, ये कभी नहीं होता. इश्तियाक साहब अपनी किताब में लिखते हैं और मैंने आपके इंटरव्यूज में भी सुना कि जिन्ना साहब जब दिल बर्दाश्ता होके हिंदुस्तान छोड़ गए थे और 3 साल तकरीबन वो इंग्लिस्तान में रहे, उनकी उस जिंदगी का रिकॉर्ड नहीं मिलता. हाँ, मतलब देखे उनकी पब्लिक लाइफ के जो है ना, वो प्रिवी काउंसिल में जो उनके केसेस हैं वो ही शायद है, और वहां पे उन्होंने खूब कहते हैं कि पैसे कमाए, बहुत पैसा बनाया. हाँ, ये इस पे कोई शक नहीं है. लेकिन ऐसा आदमी 3 साल पॉलिटिकली क्या बिल्कुल इनएक्टिव था, कट ऑफ था, मेरा मतलब है उस पे कोई काम नहीं हुआ. क्योंकि फिर मैं कुछ इस पे आर्ग्यूमेंट्स पढ़ रहा था कि वो फिर वापस आते हैं और अचानक पाकिस्तान की डिमांड रखते हैं और सब. इससे फिर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज खड़ी होती हैं कि वो 3 साल में किससे मिले होंगे, क्या मामला हुआ होगा. ठीक है, मैंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को कभी अपनी रिसर्च में नहीं रखा, क्योंकि जो चीज आप एस्टेब्लिश ना कर सके रीजनेबली भी, एक तो होता है ना विद 100% एविडेंस, जैसे आप कह रहे हैं डॉट्स भी ना मिलते हो सकता है 3 साल उन्होंने सिर्फ प्रीवी काउंसिल की वो की है वकालत, और वो जाके थिएटर देखते रहे हैं और कॉन्सर्ट सुनते रहे हैं, शायद उन्होंने ना किया हो. मगर उस पीरियड पे कुछ रिसर्च नहीं हुई कि वो क्या करते रहे इसके अलावा. सही, ये मेरी पोजीशन है. लेकिन जैसे आप बता रहे हैं आने के बाद वो पूरा उनका तरीका ही बदल गया, तो कुछ लोगों का ख्याल है शायद इस जमाने में कोई ब्रीफिंग हुई होगी. बट आई हैव नॉट गॉन इनटू बिल्डिंग माय रिसर्च ऑन ए सस्पिशन. अलबत्ता आने के बाद जो उन्होंने फिर किया है वो भी एकदम जाके वो ऐसे नहीं हुआ. वो तो कांग्रेस की भी चंद गलतियां हैं, जो इलेक्शन 37 का है ना, उसके बाद उनके दिल में ये सब चीजें होंगी, तब मौका भी कांग्रेस ने उन्हें फराहम किया है. ट्रेन के अंदर तो होती है ना चीजें मुझे लेकिन उनका रास्ता कोई नहीं मिल रहा होता. लेकिन अगर कोई ऐसी हरकत हो जाए वहां पे, फिर आप जो आपकी पहले भी शायद सोच हो वो आप ले आते हैं. तो जिन्ना शुड बी जज्ड इन द सर्कमस्टांसेस एज दे डेवलप. इश्तियाक साहब, पहले हिस्से में आपने ये एस्टेब्लिश किया अपनी बातों से और अपनी किताब में भी कि जिन्ना साहब कहीं ना कहीं अंग्रेजों के साथ काम करते रहे और उनका वो इमेज कम अज कम नहीं है जो हमने किताबों में पढ़ा. जी जी जी. तो फिर ये एक मुश्किल सवाल है कि क्या जिन्ना साहब फिर कायदे आजम का टाइटल और जो इज्जत उन्हें बाबाए कौम की हैसियत से मिलती है वो डिजर्व करते हैं? देखें, ये आई थिंक वो डिजर्व इसलिए करते हैं कि जिन लोगों के लिए उन्होंने एक मुल्क बनाया उनको बहुत बड़ा चांस तो दिया ना. यानी यहाँ से हिंदू सब चले गए, सिख सब चले गए, जिनके पास ज्यादा एजुकेशन थी, जिनके पास ज्यादा रिप्रेजेंटेशन थी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में, और तो उनके जाने से एक पूरी टेरिटरी मिल गई मुसलमानों को जो पीछे रह गए थे एजुकेशन में इकोनॉमिकली. तो उनके लिए तो वो इस तरीके से लीडर है. चाहे उन्होंने जिना अंग्रेजों के साथ मिलके किया तो उससे क्या फर्क पड़ता है. वो तो यही कह सकते हैं ना कि हिंदुओं से निजात दिलाने की यही तरीका था कि अंग्रेज के साथ मिल जाए. लेकिन फिर वो आगे लॉबी भी तो करते रहे ना अंग्रेजों के लिए कि हम आपके लिए मार्शल का भी काम करेंगे, हम आपके काम भी आएंगे. नहीं, वो तो उन्होंने किया है, वो असल में इन्होंने छुपा दिया पाकिस्तान में, ये वाला छुपा दिया. लेकिन मैं कह रहा हूँ पहली वाली बात जो है कि ये आर्ग्यू किया जा सकता है भी मुसलमानों को उन्होंने आजाद, वहां पे तनकीद ये है जो मेरी तनकीद किताब के अंदर है कि ये तो वहां ही पाकिस्तान बना ना जहां पे पहली पाकिस्तान था, मेजोरिटी थी. और जो भी जब से इलेक्शन हुए थे हमेशा चीफ मिनिस्टर जो थे वो मुसलमान ही होते थे, सिंध के भी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के भी, और पंजाब के भी, और बंगाल के भी. तो वहां पे तो पहली पाकिस्तान था जहां पे पाकिस्तान बना. और जिन मुसलमानों को वो कहते थे तबाह हो जाएंगे, एनाहिलेट हो जाएंगे, वो तो बेचारे हिंदुस्तान में छोड़ा है ना. वो इस तरीके से तनकीद मेरी है. अगर आप जिन्ना के किरदार को, तमाम किरदार को, और नेहरू के किरदार को कंपेयर करें और आपसे ये कहा जाए कि इनमें से बेहतर लीडर पिक करें, तो आप किसे पिक करेंगे? वो तो
विदाउट एनी डाउट जवाहरलाल नेहरू। अच्छा हाँ जी बिल्कुल, देखिए नेहरू महात्मा गांधी का तो वो हो गया ना असैसिनेशन, तो जो सेक्युलर इंडिया बना वो तो जवाहरलाल नेहरू की क्यादत में कंसोलिडेट हुआ ना, और उस बेचारे में तो इल्जाम ही ये है कि ये प्रो मुस्लिम था और इसने हिंदुओं के राइट्स को नहीं अपना तरजीह दी। सेफगार्ड नहीं किया। हाँ तो अगर हिंदू ही ये उसके मुतलक ये कह रहे हैं, या तो मुसलमान कहते हो ना, तो मैं उस पर कोई बात भी करूं, ठीक है कश्मीर के मुसलमानों को इतराज हो सकता है, उस पर भी बात हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों, मेरे यहाँ पे दोस्त हैं इंडियन अंसारी साहब, वो कहते हैं कि मैं तब स्कूल में था वहां पे शाहजहानपुर में, तो जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई है तो मैं भी रोने वालों में था, और ये एक बच्चे थे यानी यंगस्टर, एक आम मुसलमान का सेंटिमेंट यही था कि उसके होते हुए मुसलमानों को प्रोटेक्शन थी। जवाहरलाल नेहरू के दौर में सोमनाथ मंदिर को दोबारा रिस्टोर किया गया और उन्हें इनवाइट किया गया कि वो जो होता है ना ओपनिंग सेरेमनी का वो फीता काटना आपकी, ही सेड आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट्स नॉट माय ड्यूटी, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाइंडेड दैट व्हाई ही डिड नॉट डू इट। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा वो करके भी दिखाया, और पार्टी और वो सेक्युलर इंडिया चाहते थे विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, और होना भी चाहिए, जिना सामने जब पाकिस्तान बनाया तो इतना मजबूत सेंटर बन गया कि प्रोविंसेस की जो हक है वो ही खत्म हो गए, लेकिन ये तो नेहरू रिपोर्ट के इसलिए खिलाफ थे कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात थी, बाद में खुद ही पाकिस्तान में बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटर बना दिया। चले ये तो बात हुई, जवाहरलाल नेहरू के साथ वो पोलिटिकली एनलाइटेंड आदमी था, जिना साहब एक बड़े कामयाब वकील थे, दोनों में फर्क है ना ओरिएंटेशन का, कि आपने कितना फलसफा पढ़ा हुआ है, कितनी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी हुई है, और कितना आपने केस को जीतने के टेक्निक सीखे हुए, दिस अ बिग डिफरेंस। और यही आपकी पिक पार्टीशन से पहले भी रहेगी कि नेहरू पार्टीशन से पहले भी मामलात में जिना साहब से बेहतर थे? नहीं, एक बहुत बड़ी गलती तो नेहरू ही की है ना, अब उस पर भी झगड़ा है कि वो है कि जब इलेक्शन 37 का हुआ है, तो उससे पहले यूपी के लेवल पे कुछ जेंटलमैन अंडरस्टैंडिंग थी कि जो भी रिजल्ट होगा मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर हुकूमत बनाएंगे। इलेक्शन जब रिजल्ट आया तो मुस्लिम लीग को तो कुछ भी नहीं मिला ना वहां पे, कांग्रेस का स्वीप हो गया, तो वहां पे नेहरू ने अपनी तरफ से तो कॉन्स्टिट्यूशनली पोलिटिकली ही वॉज करेक्ट कि साफ जाहिर है कि मुसलमान जो है वो तो मुस्लिम लीग के साथ नहीं है, तो ये मुस्लिम लीग तो मुसलमानों की जमात नहीं है, मगर मसला ये था कि मुसलमानों का तब वोट रीजनल पार्टीज के साथ था, पंजाब में पंजाब यूनिस्ट पार्टी के साथ, सिंध में उनकी जमातें थीं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में खुदाई खुदमतगार थे, बंगाल में भी वो अपना दो तीन विंग थे। खैर इन्होंने फिर क्या किया कि जो मुस्लिम लीग के लोग है ना मुंतजर कि उनको मिनिस्टरशिप मिले, वो मुस्लिम लीग से रिजाइन करें और दे शुड ज्वाइन कांग्रेस। जब ये हुआ तो देन जिना सेड के नहीं, अब ये जाहिर होता है कि कांग्रेस एक डिक्टेटरशिप है और ये हिंदू पार्टी है। अल्टीमेट फैसला तो नेहरू का ही है ना, जो ये यूपी कांग्रेस के, लेकिन नीचे से किसने इनको कन्विंस किया, कुछ किदवाई का नाम लेते हैं कि वो इनके बड़े करीब थे कि उन्होंने एडवाइस किया, तो 5-6 नाम मुसलमानों के हैं कि अल्टीमेटली तो फैसला जवाहरलाल नेहरू का ही है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जवाहरलाल नेहरू का। अगर वो उनको अकोमोडेट कर लेते विदाउट ह्यूमिलिएटिंग मुस्लिम लीग तो शायद एक और फॉर्मूला निकलता। तो मैंने अपनी किताब में नेहरू को पसंद करते हुए भी उसकी जो गलतियां हैं वो हाईलाइट ही की हैं, और किताब के अंदर यही होना चाहिए अगर आप रिसर्चर हैं। इश्तियाक साहब, जिना साहब की डेथ बड़ी अजीब सी हुई है, मतलब जी जहन नहीं मानता कि वो नेचुरल डेथ है, आपकी इस पे कोई फाइंडिंग्स है? वो भी पूरा चैप्टर, मतलब पूरा किताब के अंदर मैंने पूरा जो है ना दिया है, उसके अंदर असल में बात यह है कि ये दो मेन सोर्सेज हैं वेरी क्लोज, एक डॉक्टर इलाही बख्श जो उनके पर्सनल फिजिशियन थे, और एक फातिमा जिना, उनकी 2-3 एडिशंस आ चुकी हैं किताबों के, और इल्जाम ये है कि जो पहले उन्होंने लिखा था वो बाद में नहीं, वो तब नहीं छपने दिया, हुकूमत ने ये कर दिया वो कर दिया, तो मैंने
दोनों तीनों जो वर्षन जो मेरे हाथ में आए वो मैंने उसमें डेल दिया। उससे तो ये लगता है कि कोई ऐसी कंस्पिरेसी नहीं थी, ही वॉज डाइंग एज एज सच। और वहां पे जो डिले भी हुई है वो 2 घंटे की हुई है, ज्यादा नहीं हुई। अच्छा एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद वो हमारी तो है ना तमीद हम बांध देते हैं, वो 2 घंटे की हुई है। क्या एम्बुलेंस का ब्रेकडाउन है, वो पहले से ही प्लान था या हो गया? अगर हो गया तो क्यों एक और का इंतजाम नहीं था? क्या उस जमाने में ऐसे एम्बुलेंसेज होती थी? आई हैव नॉट टेकन अ पोजिशन, मगर मैंने उसको डीमिस्टिफाई किया है बाई इलाही बख्श की दोनों वर्षन को लेके, और मादरे मिलत की तो जो लेटेस्ट वर्षन है उस पे जो भी मैंने सुना है वो भी मैंने लिख दिया है। इश्ताक साहब, आपने फातिमा जिना की बात की, जी एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मुझे ज्यादा कुछ ना सुनने को मिला ना पढ़ने को मिला कि फातिमा जिना की जिंदगी जिना साहब के बाद कैसी थी। जिना की जिंदगी के बाद फातिमा जिना ने तो क्लेम किया ना उनकी सारी प्रॉपर्टी को कि आई एम द एयर, और वो कोर्ट केस भी हुआ जिस पे बताया जाता है, मैंने किताब में उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि आई डिडंट वांट टू टेक टू मेनी इश्यूज। वो यही है कि कोर्ट के अंदर फिर लियाकत अली खान को जाके कहना पड़ा कि वो वाकई असना शरी थे, तो इसलिए प्रॉपर्टी, शिया लॉ के अंदर औरतों के राइट ज्यादा हैं प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के सुनियों से, तो उसमें से फिर जितनी भी मादरे मिलत को या फातिमा जिना को मिल सकती थी उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली। शी लिव्ड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। मैं पॉलिटिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ। कोई पॉलिटिकल नहीं थी उनकी, कोई पॉलिटिकल लाइफ का जिक्र ही नहीं है। नहीं, वो अल्टीमेटली अय्यूब खान के खिलाफ लड़ी और उनकी काफी सारी ठीक है, जब ये गए हैं उनके पास तो पहले शी वाज नॉट एट ऑल कीन टू कंटेस्ट इलेक्शंस, वो तो इनकी इज्जत ही नहीं थी करती ये दौलताना और ये इन्हें, दे शी लुक डाउन अपॉन देम एज डिड हर ब्रदर, वो इनको बेहुदा लोग समझते थे। मगर पता नहीं इन्होंने क्या जाके उन्हें कहा कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, पाकिस्तान को बचाना है तो आप ही कायदे आजम की हमशीर हैं, आपको कोई चैलेंज नहीं करेगा, तो इस तरह वो आई है। बट शी वॉज नॉट अ वेरी विलिंग कैंडिडेट, आई कैन टेल यू दैट, नॉट एट ऑल। एक और बात भी सुन ले जी प्लीज। जब ये अपना मिलिट्री कू हुआ है तो डॉन के अंदर बयान है फातिमा जिना का वेलकमिंग द मिलिट्री गवर्नमेंट कि अब शायद पाकिस्तान क्या कहते हैं किसी मुनासिब राह पे लगाया जाए, वो डॉन का है और मेरी किताब उसमें भी छप गया, गैरिजन स्टेट में पढ़ ले आप, मेरी सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी वेरीफाइएबल है। ठीक है, फातिमा जिना की किताब मैंने पढ़ी और उसमें वो एक वाकया जिक्र करती हैं कि लियाकत अली खान एक बार जिना साहब की अयादत करने आए, जिना साहब बीमार थे और जिना साहब ने लियाकत अली खान से मिलने से इनकार कर दिया और फातिमा जिना को कहा कि ये मेरी तबीयत देखने नहीं आया, ये देखने आया कि मैं मरूंगा कब। तो लियाकत अली खान ये वाकई उनकी किताब में है, वो ये है कि लियाकत अली खान को शायद वो मिले थे लेकिन जब वो चले गए तो बाद में कहते हैं कि उन्होंने ये कहा, इट्स पॉसिबल। तो लियाकत अली खान का किरदार फिर मशकूक नहीं हो जाता इस तमाम मामले में? ये क्यों हो जाता है? लियाकत अली खान को वो जैसे ट्रीट करते रहे हैं प्राइम मिनिस्टर होते हुए, वो मिनिस्टरों के साथ बैठते थे और प्रिजाइड जिना साहब करते थे और वो हर जगह उन्हें झाड़ देते थे, ही ट्रीटेड लियाकत अली खान एज डर्ट ऑल द टाइम। तो हो सकता है जिना को अपने ही शक हो कि ये मुझे चाहता है कि मैं मर जाऊं, जिना ने उसे कोई अच्छा तो हैंडल नहीं किया। मैंने एक और किताब, एक किताब में एक और चीज भी लिखी है कि 1946 में जब शिमला कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वैन बॉम्बे से ट्रेन पहुंची दिल्ली में तो लियाकत अली खान वॉन्टेड टू ज्वाइन जिना साहब इन हिज, उनका अपना डब्बा होता था, तो उन्होंने कहा कि कैन आई ज्वाइन यू सर, तो उनके वाई नहीं दी उसे अपना जगह, वो बेचारे को किसी और डब्बे में आना पड़ा साथ। जिना साहब के बड़े इस किस्म के थे टेंट्रम्स, हो सकता है लियाकत अली खान चाहते भी हो ये, यार मैं कुछ नहीं कह सकता। सही है, आई हैव केप्ट अवे फ्रॉम दीस स्कैंडल्स बिकॉज व्हाट्स द पॉइंट। शुड वी से कि लियाकत अली खान वाज अ बैड मैन? Well, that's a very convenient thing to say. Nish, that's a point. Does it prove that Jinnah sahab was a great man? Why? Ek opinion hai, wo bhi questionable hai. Asal baat to ye hai ke Fatima Jinnah ka aur Rana Liaquat Ali Khan ka Punjabi mein hum kehte hain it kutte da vair. Ye tha.
वो कहती थी मैं फर्स्ट लेडी हूँ, ये कहती थी मैं फर्स्ट लेडी हूँ, ये कभी भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं रही। तो ये हो सकता है पता नहीं उनके भाई ने कहा या नहीं कहा, इन्होंने अपने पास से लगा दिया। मेरी किताब इन चीजों पे फोकस नहीं करती, ठीक है। दे आर द टाइप ऑफ गॉसिप वी लव टू गो अराउंड टेलिंग, इट एड्स द थिंग बट कंफ्यूजन। नहीं लेकिन अगर अगर इस गॉसिप पे, अगर आप इसे गॉसिप कहें, हम इस पे तवज्जो ना दें, या अगर हम तवज्जो दें तो देखिए ना पिक्चर क्या बनती है। हम आपको एक सामने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी प्रेजेंट करता हूँ। लियाकत अली खान चाहते हैं कि जिना साहब मर जाए फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ठीक और है, अल्टीमेटली फिर जिना साहब ने किसी मजबूरी के तहत ही लियाकत अली खान को बनाया होगा प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो उन्हें पसंद नहीं करते। तो नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा ये मेरे सुनिए, मैंने कहा है कि उन्होंने 1936 में सिंध में कहा है कि माय चॉइस एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द मुस्लिम लीग इज लियाकत अली खान, एंड जिना साहब सिलेक्टेड लियाकत अली खान एज प्राइम मिनिस्टर। सोहरावर्दी का नाम भी आया था, जी हुसैन शहीद सुहरावर्दी। तो ये लियाकत अली खान को चूज जिना साहब ने किए। तो फिर ट्रीट क्यों खराब तरीके से करते थे? नहीं वो तो इसीलिए है ना कि प्राइम मिनिस्टर भी तुम्हें मैं बना रहा हूं, तुम क्या हो। सही, उनका तो ये कहना है मशहूर, वो मैंने कोट भी किया है कि पाकिस्तान वॉज आई क्रिएटेड पाकिस्तान विद माई टाइप राइटर, ये आम उनका कहना है कि ये कौन थे। और सच्ची बात है वो बाकी लोग कुछ भी नहीं थे, ऐसे ही है। जिना साहब वॉज अ टावरिंग पर्सनैलिटी भाई, ये अपनी जगह पे ग्रांट करना पड़ेगा, वरना किसी की झाड़ कोई क्यों खाता है भाई, मुझे कोई झाड़ सकता है ऐसे ही है। अनलेस आई सबमिट टू द सुपीरियोरिटी ऑफ दैट पर्सन। ये सारे मीडियोकर प्लेयर्स थे, बुरे लोग शायद ना हो, शरीफ लोग हो सकते हैं, बदमाश भी हो सकते हैं, ये एक वैल्यू जजमेंट है, बट एज कंपेयर टू जिना दे वर ऑल हिज चॉइस। प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने बनाया, डजंट मीन कि वो प्राइम मिनिस्टर को बाद में झाड़ने उनकी कैबिनेट कैबिनेट में ना जाते, जो कि गवर्नर जनरल कभी नहीं जाता, ही यूज टू गो एंड सिट देयर, और वो बेचारा वहां बैठता था और जो ये फैसले करते थे वो साइन कर देता था एज प्राइम मिनिस्टर। तो इनको अपना भी तो हो ना ख्याल कि यार मैं इसको इस तरह ट्रीट करता रहूं तो ये तो चाहता है कि मैं मर जाऊं। I'm now thinking for you, प्लीज how प्लीज। we should think. But I'm saying these are not essential things. ठीक है। जिना जिना साहब के पार्ट में आखिरी दो सवाल। ये जो अच्छा जिना साहब का ये एक किरदार मिलता है, और आपने अभी अभी जिक्र किया कि वो कभी लोगों से बदकलामी तो शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन गुस्से में बात करते थे, कभी एज यू ओ सेड यस डर्ट की तरह ट्रीट करते थे, तो क्या जिना साहब खुद पसंद थे? खुद पसंद का क्या मतलब होता है यार, सेल्फ ऑब्सेस्ड अगर मैं he was definitely a very arrogant man for right and wrong. उन्होंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी, ये काम है बात। He never said कि I made a mistake. सिर्फ 11th August speech में एक जगह पे कहीं कहते हैं कि कुछ लोगों का ख्याल था पार्टीशन नहीं होनी चाहिए, ये सही था ये गलत था ये वक्त ही बताएगा, मगर मुझे यकीन है कि ये सही थी। इट्स द ओनली टाइम जहां पे उन्होंने इस शक का जिक्र भी किया, वरना ही हैज नेवर एवर एडमिटेड दैट ही वाज रॉन्ग इन एनीथिंग। ये तो उनका किरदार है, और ये किरदार ना होता तो इतनी स्ट्रगल करके यानी पूरी कांग्रेस को आगे लगा के पाकिस्तान का विन करना कोई आसान तो नहीं है ना। उनको इस तरीके से भी देखो एज अ ह्यूमन पर्सन एज अ लीडर एंड ऑल दैट, आई एम नॉट अनफेयर टू हिम, व्हाई शुड आई बी, आई एम नॉट हेयर टू जज पीपल, आई एम ओनली to show के if you do things these are the consequences. ये लोग नहीं इस तरह नहीं देखते कि जी उन्होंने 11/11 की स्पीच कर दी तो वो कोई अलादीन का चिराग है कि तब एक किया और वो सारे पुराना खत्म हो गया और लोगों ने वो सोचना शुरू कर दिया जो जिना साहब चाहते थे। और क्या जिना साहब वाकई ये चाहते थे कि हिंदू हिंदू ना रहे मुसलमान ना, या ये एक स्पीच का खास कॉन्टेक्स्ट है जो किताब के अंदर मैं बताता हूँ व्हाई ही मेड दैट स्पीच, ठीक है, वो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगा, द होल बुक इज नॉट नाउ फॉर यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जब पाकिस्तान आजाद होता है तो चले केओस तो था, रेफ्यूजीज भी आ रहे थे, हमें पैसे भी नहीं मिले और सब, लेकिन बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू करते हैं
कि हमारी मिलिट्री एक तरह से हमें बिहाइंड द सीन्स रूल करती रही, जिना साहब के होते हुए भी, लियाकत अली खान के होते हुए भी, और हमारी ब्यूरोक्रेसी भी बेलगाम हो गई। तो इसको हम किस तरह डीकंस्ट्रक्ट करें, ऐसा क्यों हुआ? बात यह है कि मुस्लिम लीग कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भैया नहीं थी जिसके कोई पूरे रूट्स, ये तो 1940s में इन्होंने आके पब्लिक के लिए ओपन की है। अंटिल 1940s इट वाज अ एलीट पार्टी ऑफ ओनली 1500 मेंबर्स, और उसमें भी किताब पढ़ लें जो अभी उनका वो उनकी डेथ हुई है, प्रोफेसर डॉक्टर क्या नाम है उनका, रफीक समथिंग, वो मुस्लिम लीग की पूरी हिस्ट्री उन्होंने लिखी है, पाकिस्तानी स्कॉलर थे, और उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि ये तो 1500 थे इसके मेंबर, और वो भी अपनी जो है एनुअल वो नहीं थे देते, क्या कहते हैं जो चंदा होता है, वो तो 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन के बाद इन्होंने जिस तरह कांग्रेस ने 20 में कर दी थी कि 4 आना मेंबरशिप एवरीबॉडीज, वो मैस पार्टी तब बन गए थे, इन्होंने तब जाके बने। तो उस दौरान में मुस्लिम लीग सिर्फ उन मुस्लिम, ये तो वो थे पंजाब मुस्लिम, पंजाब यूनिस्ट पार्टी, सिंधी ऑपोजिशन जो थी जो मुस्लिम लीग के साथ कभी नहीं थी, कभी थी कभी नहीं थी, जीएम सैयद ये सारे, और खुदाई खिदमतदार तो आखिर तक खिलाफ रहे। हाँ जी जी, ये वहां से फिर टूट के लोग मुस्लिम लीग में आए हैं, ये 43-44 से शुरू हुआ है अपनी पार्टियों को छोड़ के तो मुस्लिम लीग में आने का, और वो सारे इसलिए आए कि जवाहरलाल नेहरू का एक और बैस बैतो स्पीच ने बहुत बड़ा प्रॉब्लम किया था, वो लखनऊ में थी कि हम जब आजाद हिंदुस्तान होगा तो हम ये जो है जिम्मेदारी सिस्टम को खत्म कर देंगे, पेजेंट्री के हकूक बढ़ा देंगे, और सोवियत मॉडल की बुनियाद पे हम इंडिया को डेवलप करेंगे जी। तो उसको फिर इस्तेमाल किया गया लैंडलॉर्ड्स मुसलमानों के लिए कि भी देख लो अगर कांग्रेस की हुकूमत आई तो तुम्हारी छुट्टी है। तो ये तो सारे अपने अपने इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट को बचाने के लिए एक मुस्लिम लीग में आए हैं। और हुआ क्या कि जब तक जिना साहब थे तो कोई बोलता नहीं था, बाद में फैक्शनलिज्म शुरू हो गई, सिंध के अपने 2-3 ग्रुप होते थे जो लड़ते रहते थे, पंजाब में नवाब ममडोट वर्सेस दौलताना ग्रुप होते थे, वो लड़ते रहते थे, और फ्रंटियर के अंदर तो उन्होंने कयूम खान को प्रमोट किया था कांग्रेस को तोड़ने के लिए, पीर मानकी शरीफ आ गए, फिर पीर मानकी शरीफ भी छोड़ के वापस खुदाई खिदमतगार में चले गए। तो ये तो वो लोग थे जो आखिरी मोमेंट पे अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के तो मुस्लिम लीग में आ गए विद ओनली वन थिंग के कांग्रेस के हाथ पूरा हिंदुस्तान ना आ जाए। मुस्लिम लीग या पाकिस्तान में अब क्या करना है, तो दे हैड नो शेयर्ड एजेंडा। ठीक है, अगर मैं ये कहूं, एक तज्जिया आपके सामने पेश करूं, या तज्जिये से ज्यादा सवाल ही समझिए इसे, कि ब्यूरोक्रेसी का बेलगाम हो जाना या मिलिट्री का कहीं ना कहीं पावर में होना, ये भी अंग्रेज के प्लान का हिस्सा था? देखिए प्लान प्लून का ऐसे हिस्सा कोई भी नहीं था यार, मैंने कहा ये तो आखिरी मोमेंट पे वो छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन वो यहाँ पे छोड़ के गए जो फंक्शनल थे वो ब्यूरोक्रेसी थी और मिलिट्री थी। पॉलिटिकल पार्टी हमारी बेकार साबित हुई, कांग्रेस वहां पे कामयाब साबित हुई, तो वहां पे पॉलिटिकल सिविलियन सुप्रीमेसी कायम हो गई। हमारे यहाँ हमारे पॉलिटिशियंस ने देखो ना, लियाकत अली को तो असैसिनेट भी कर दिया ना, जिना साहब के बाद एक नेशनल नाम तो लियाकत अली खान का ही था ना, जब वो दो नाम खत्म हो जाते हैं तो हु वुड बी देयर, आई एम एज गुड एज यू, वो झगड़ा शुरू हो गया। ठीक, तो उसके अंदर फिर कौन सी थी, अगर आर्मी एकदम तो नहीं ना आई, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी आई, क्योंकि इंडिया के दौर में भी तो डेप्टी कमिश्नर ही चलाता था अपने डिस्ट्रिक्ट को ना, सारी फ्रीडम स्ट्रगल के लोगों को जेल में तो वही डालता था, आर्मी तो नहीं थी आती, आर्मी तो लास्ट था कि अगर ये ज्यादा चूंग करेंगे तब वी विल कम एंड क्रश देम। तो आर्मी यहाँ पे 53 में आई ना, जब वो एंटी एमडिया एजिटेशन हुई है लाहौर में, और उन्होंने साबित कर दिया कि विद इन अ फ्यू डेज उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कायम कर दिया, फिर वो वापस चले गए।
फिर ये खुद ही लेके आया सिकंदर मिर्जा, तो बेसिकली पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन थे ही नहीं, ही वॉज सर्विंग इन द इंडियन पॉलिटिकल सर्विस। एक तो है ना सिविल सर्विस, पॉलिटिकल सर्विस उनके पॉलिटिकल सिविल सर्वेंट थे जिनका काम राजवाड़ों को और उनको जाके अंग्रेजों के हक में कंट्रोल करना था। तो वो तो शुरू से ही कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, और वो पाकिस्तान बनने के बाद ही स्टेड ऑन इन इंडिया फॉर अ व्हाइल एंड देन शिफ्टेड, एंड हाउ कैन ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यार वो बन गए इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी ने ऐसे बंदों को ले आए, कभी चौधरी मोहम्मद अली आ गए, कभी कोई और आ गया, हाँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए उनके फिर झगड़े एक दूसरे से हो गए, ब्यूरोक्रेट्स के भी तो झगड़े हो गए ना जी। तो वही तो नेहरू ने कहा था कि यार तुम कहते हो पाकिस्तान से बात करो, सुबह आपकी एक हुकूमत होती है शाम को एक और होती है, मैं किससे बात करूं। तो उसने भी तो तंज की ना जी। और क्योंकि इलेक्शन आप देखें सबसे पहले 1970 में हुआ यार जी, ये कोई इंडिया की कंस्पिरेसी नहीं है, ये बर्तानिया की कंस्पिरेसी नहीं है, कोई कौनसी आपको इलेक्शन से तो नहीं ना रोक सकता। वो तो लियाकत अली खान ने देखा कि यार हिंदुस्तान में हमारी अपनी हम नवाब थे, जमीनें थी, एक कंस्टिट्यूएंसी होती है हमेशा जो सदियों से आपकी बनती है, यहाँ पे तो हम एक रिफ्यूजी है और अगर इलेक्शन हुआ तो हम तुम्हारी तो छुट्टी हो जाएगी, ये लोकल यहाँ पे आ जाएंगे आगे। तो एक ये फैक्टर है कि उसने इलेक्शन नहीं कॉल किए, और ये ऐसी सियासत होती है यार। ये कांग्रेस नहीं है जिसने इलेक्शन हारे भी हैं फिर जीता है और हारे हैं और फिर जीता है, और बीजेपी ने भी पहला इलेक्शन शायद 16 दिन के बाद, मुझे याद है वाजपेयी साहब ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स एंड वी डोंट हैव नंबर्स विद अस, सो दे लेफ्ट, और फिर वो उनकी कोएलिशन गवर्नमेंट आ गई थी। फिर 98 में बीजेपी को मैसिव वो मिला है मैंडेट। तो इवन हिंदू नेशनलिस्ट भी जो है उनके इलेक्शन को और उसके रिजल्ट को मानते हैं। हमने तो कोई ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था 1954 में जुगतू फ्रंट का, जैसे 70 में तकरीबन एक ही सीट मिली थी आउट ऑफ 362 उसे वन ऑफ द बंगालीज, बाकी सारे तो अवामी लीग। उसी तरह 54 में जुगतू फ्रंट स्वेप्ट द इलेक्शंस और मुस्लिम लीग की छुट्टी हो गई थी, इन्होंने वहां पे गवर्नर रूल इम्पोज कर दिया, इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेज दिया कि ये कम्युनिस्टों की है, इंडियन एजेंट्स की है। तो जब आपके पॉलिटिशियंस का ये किरदार हो तो फिर आर्मी रह जाती है ना जो मुल्क को बचाए। और आई वॉज 11 ईयर्स ओल्ड व्हेन जनरल अयूब खान केम, तो लाहौर की हमारे यहाँ होती है लुटिया लानी थी लोगों ने सड़कों पे खुशी से कि यार अब शायद पाकिस्तान बच जाए। उससे पहले फूड क्राइसिस होता था, दो कत्ल हो गए थे ईस्ट पंजाब की असेंबली का, जो बेचारा डेप्टी स्पीकर था वहां पे झगड़ा हुआ उसको इन्होंने वो माइक्रोफोन मार मार के मार एंड ही डाइड। इधर इन्होंने कत्ल कर दिया डॉक्टर खान साहब को लाहौर के अंदर, जो डॉक्टर अब्दुल गफार खान के बड़े भाई थे, वो वेस्ट पंजाब के उस जमाने में वन यूनिट होता था उसके, वो भी रहे चीफ मिनिस्टर या व्हाटएवर जी, वो भी कत्ल कर दिया। तो ये तो बड़ा पाकिस्तान वॉज गोइंग टूवर्ड्स अ सिविल वॉर, आई टेल यू दिस, ये कोई झूठ नहीं है। तो आर्मी को जब पहली दफा कू हुआ है तो लोगों ने उसे वेलकम किया, इंक्लूडिंग फातिमा जिना, आपने बताया। तो लेट्स नॉट मेक एन इजी वे आउट, आर्मी बैड पॉलिटिशियंस गुड, ये भी एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, ये भी है प्लेइंग द गेम जो आज तक चलती है। नो, द आर्मी केम व्हेन इट हैड टू कम। एक दफा जब आप आ जाते हैं और आपको पावर के अंदर से फिर फायदे भी मिलने शुरू हो जाते हैं तो आप करप्ट भी हो जाते हैं, एम्बिशियस हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे हुआ है। ठीक है इश्ताक साहब, अब ईस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं, उसके साथ हमने क्या किया, क्या मामला हुआ, वो तारीख में रिकॉर्ड मिलता है। अगर आप ब्रीफली हमें बता सकें कि हमारा रवैया वेस्ट पाकिस्तान का, चाहे वो जिना साहब हों के बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज करार ना देना या तमाम चीजें, हमारा रवैया अच्छा था ईस्ट पाकिस्तान के साथ? बिल्कुल ही तो नहीं था। देखिए ना, पहली कैबिनेट जो इन्होंने स्वेयर इन की है पाकिस्तान बनने के साथ ही, उसका भी मैंने पूरे नाम दे दिए हैं और
उनके फिरकों का भी जिक्र कर दिया कौन क्या था, और उनमें से एक बंगाली लिया है, हालांकि 55% पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान की थी, और वो भी उसका नाम फजलुर रहमान था, जिसका कभी पहले किसी ने जिक्र ही नहीं था सुना, और ज्यादा मिनिस्टर जो थे वो यूपी से थे और पंजाब से थे, बल्कि शायद यूपी ओवर रिप्रेजेंटेड थी, क्योंकि ये तो बहुत थोड़े थे ना, लेकिन मुस्लिम लीग के जो लीडर लूडर माने गए हुए थे वो तो यही थे, बल्कि सिंधियों ने शोर मचाया, तो बाद में एक नया मिनिस्टर उन्होंने लिया, अब्दुल सत्तार पीरजादा, ये पीपल्स पार्टी के जो पीरजादा थे इनके वालिद साहब को, और इन्होंने जोगिंदर लाल मंडल को ले लिया, वो भी सिर्फ इसलिए लिया कि उधर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को बना दिया था लॉ मिनिस्टर, मगर उन्होंने साथ साथ उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया। जरा पाकिस्तान में जाके देखें, जोगिंदर नाथ मंडल को उसके बाद कोई ऐसी पोजीशन दी गई है? नथिंग। मैंने पढ़ा है कि जोगिंदर नाथ मंडल तो वापस फिर इंडिया चले गए थे, वो 51 में तंग आके जो उन्होंने खत लिखा था जाते हुए, वो भी मैंने छाप दिया। और वो यही हुआ कि जोगिंदर नाथ मंडल वॉज टू प्रूव कि हम भी तुम्हारी तरह ऐसे अछूत जो हैं उनको रख सकते हैं, मगर उन्होंने उसको फिर चेयरमैन बना दिया ना अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का, और कहते हैं अंबेडकर की ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हालांकि वो कांग्रेस की सपोर्ट ना हो तो वो तो अकेले थे, ही वॉज द ओनली मेंबर ऑफ हिज, हाँ जी, लेकिन उन्होंने उसकी लीडरशिप को माना, उसकी कॉम्पिटेंस। यहाँ पे जोगिंदर नाथ मंडल को बस जो फंक्शनल चीजें नहीं होती वो साइन करने के लिए रखा हुआ था, और बाद में आफ्टर जिनाज डेथ तो लियाकत अली खान ने उन्हें बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, तो उसने जो खत लिखा है कि यहाँ पे जो हम सोचते थे वो जिना कोई, क्योंकि बराया उसको जिना ने था, तो उनकी तो उन्होंने हक में बात करनी थी, और लियाकत अली को उन्होंने कहा कि आपने मेरे साथ ये वो, बस ही वेंट बैक। जिना साहब की गलती थी बंगाली को नेशनल लैंग्वेज ना करार देना, बेशक यार, देखिए ना, सबसे पहले मिनिस्ट्री में नहीं रखा, फिर इन्होंने जाके वहां पे कह दिया कि लेट मी मेक इट क्लियर कि द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान विल बी उर्दू एंड ओनली उर्दू जी, और उसकी वजह ये है, जिना साहब अपने पुराने नोट्स इस्तेमाल कर रहे थे ना, क्योंकि कांग्रेस के साथ जब झगड़ा हुआ है जुबान के ऊपर, तो वो तो ये झगड़ा था कि कांग्रेस और नेहरू की, मैंने जो है ना कॉरेस्पॉन्डेंस भी छाप दी है, नेहरूज पोजीशन वॉज के हिंदुस्तान की नेशनल जुबान होगी हिंदुस्तानी, और उसके दो रस्मुल खत होंगे, देवनागरी और ये पर्शियन उर्दू, क्योंकि जो स्पोकन जुबान है ना, हिंदी हो या उर्दू हो, वो हिंदुस्तानी बन जाती है। आप देख लें, आप इंडिया के जो फिल्में देख लें, जब प्योर हिंदी आती है तो वो फिल्म ही नहीं चलती, हालांकि वो हिंदी हिंदी कहते रहते हैं, वो हिंदी नहीं है, वो हिंदुस्तानी है, उसमें आधे से ज्यादा लफ्ज अल्फाज जो है उर्दू के हैं, बल्कि इससे ज्यादा है, 90% उर्दू है अभी भी। उनके गाने देख लें, फिल्मों के गाने, एक बताएं जो सिर्फ प्योर हिंदी पे चला हो कभी, या कोई फिल्म भी चली हो, फेल हो जाती है, जो नेशनल जुबान यहाँ की थी और मद्रास तक चलती थी, सिंध तक चलती थी, वो हिंदुस्तानी थी और वो उर्दू थी एक्चुअली। इन्होंने मौकफ लिया कि उर्दू इज, हाँ, नेहरू का ये लेटर था कि जी हम हिंदुस्तानी को बनाएंगे, इन्होंने खत जवाब दिया कि हिंदुस्तानी इज नोन लैंग्वेज एंड उर्दू इज द लैंग्वेज ओनली ऑफ मुस्लिम्स। अब आप क्या कर सकते हैं, तो पाकिस्तान बन गया, तो इन्होंने बंगाल में भी जाके वही कहना था ना जो ये समझते थे दुरुस्त है, लेकिन आपके मुसलमानों की जुबान, पठानों की, बलोचों की, जब ये मिलके बैठते थे तो वो हिंदू, वो उर्दू ही होती थी, उसे हिंदुस्तानी कहना चाहिए, जो आज भी आप जाके बोलें हिंदुस्तान में कहीं तो लोग समझ जाते हैं, प्योर उर्दू नहीं उसमें होती, जो पर्शियन हमारी या अरबिक आम जुबान तो वही है यार, लेकिन उसे डिसोन किया ना, डिसोन किया। लेकिन जिना साहब वांटेड टू रिजेक्ट एवरीथिंग विच यूनाइटेड द पीपल ऑफ इंडिया, सिंपल, सो उर्दू बिकेम पार्ट ऑफ दैट डिस्टिंक्ट सेपरेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और जिना साहब को तो पता ही नहीं था कि मुंशी प्रेमचंद हिंदू,
कृष्ण चंद्र हिंदू, इतने इतने बड़े शायर और लिखारी हिंदू, राजेंद्र सिंह बेदी सिख उर्दू, साथ ही मंटो फिर मुसलमान। तो उर्दू के अंदर तो कलाम इतना ज्यादा है, मैं तो कहता हूँ उर्दू के बगैर ये जो है पोइट्री हो ही नहीं सकती, इतनी नफीस पोइट्री नहीं हो सकती, क्योंकि ये जुबान ही बनी थी लोगों के एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में। इसको तो बाद में महलों में ले गए ना, ये तो थी अवाम की जुबान भाई। लेकिन जब पाकिस्तान बन चुका और 55% थे भी ईस्ट पाकिस्तानी, तो दोनों को बनाया जा सकता था। और जिना साहब की ये बयान फिर उस बीज, वो बीज साबित नहीं हुआ जिसने बाद में ईस्ट पाकिस्तान। मैं कहां कह रहा हूँ नहीं हुए, मैं तो कह रहा हूँ साबित हो रहे हैं यार, मुझसे ना सवाल को रोइए, मैं तो कह रहा हूँ शुरू वहां से होता है, ठीक है, वहां से काम होता है। देखो इन्होंने इधर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का सत्यानाश किया, आते साथ विद इन लेस देन 2 वीक्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, सिंध के अंदर खोड़ू की हुकूमत को जो इनकी अपनी थी उसको डिसमिस कर दिया क्योंकि वो इनकी बात नहीं था मानता, ये चाहते थे कि कराची को एक अलग फेडरल इलाका बना दिया जाए, वो कहता था ये तो सिंध का मेन शहर है, ये सिंध का रहेगा, तो उसकी छुट्टी करा दी। तो इन्होंने तो अपनी जो है ना गवर्नर जनरलशिप को ब्रिटिश वाइसराय से भी ज्यादा पावरफुल बना दिया हुआ था, ये मेरी किताब में भी पूरी आर्गुमेंट है जी। अब वो यही सोचते थे ने, उनकी क्या कि मैंने बनाया पाकिस्तान एंड सो आई नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, ही वॉज कन्फ्लेटिंग हिज ओन पर्सन विद द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। मैंने ये भी आर्ग्यू किया कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम, ही ट्राइड टू, ही प्रोबेबली बिलीव्ड कि आई एम द सेवियर ऑफ पाकिस्तान, आई एम द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंड वट एवर आई से इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, हाउ डेयर यू अपोज इट। ये एक बन जाता है ना एक जी जी एक ऐसे लीडर की वो एक आ जाती है स्टेट वेयर यू आर टोटली कन्विंस्ड के विदाउट यू के दुनिया तुम्हारे कांधों पे खड़ी है, ये कई लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है फॉर गुड एंड बैड। जिना साहब तो थे भी बहुत बड़े लीडर, ये आम को आपको गलियों में मिल जाएंगे लोग जो ये सोचते हैं कि सारी दुनिया का बोझ उन्होंने उठाया हुआ है, तो ये तो कोई एक आम ह्यूमन फीलिंग है। इश्तियाक साहब, अगर हम बांग्लादेश के बनने को, जाहिर एक बड़ा सानिहा था जो हमने बर्दाश्त किया, उसे डीकंस्ट्रक्ट करें और अगर आप जिम्मेदारी डाल सकें किसी एक इदारे पर या एक बंदे पर या ग्रुप ऑफ पीपल पे, कौन जिम्मेदार था पाकिस्तान के टूटने का? वंस अगेन ये भी अपनी जगह पे कई एंगल्स वाली बात है। बात यह है कि अगर इलेक्शन आपने होने दिया और रिजल्ट ऐसा आया कि अवामी लीग एक हुकूमत बना सकती है, तो यू शुड हैव लेट द अवामी लीग फॉर्म द गवर्नमेंट, दैट्स व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री थ्योरी एंड प्रैक्टिस। हु डिड नॉट एक्सेप्ट इट? याह्या खान did not want that, and who more than that from West Pakistan, Zulfiqar Ali Bhutto. तो ये दोनों basically responsible हैं, कौन कितना ज्यादा है इस पे बात हो सकती है, so इसको भी ज्यादा time देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आपने 6 points की बुनियाद पे election जो होने दी है, आप क्यों होने देते हैं? उसमें तो जाहिर है कि पाकिस्तान confederation बन रही है, उसकी 2 currencies होंगी और ईस्ट पाकिस्तान अपने लिए वो आर्म्ड मिलिशिया भी रखेगी, तो वो दो कॉन्फेडरेशन तो हो ही गई ना। व्हाई डिड यू लेट दैट इलेक्शन बी कंटेस्टेड ऑन सच अ बेसिस? आई टेल यू व्हाई। इनका ख्याल था कि इतना डिवाइडेड मैंडेट आएगा कि फिर हम वहां ही होंगे सेंटर में, और रिजल्ट जो आया वो किसी के कैलकुलेशन में नहीं था। तो टू याह्या खान बिकॉज ही वॉज द प्रेसिडेंट, मगर याह्या खान की एक बड़ी कमाल की स्टेटमेंट मैं तुम्हें सुना दूं। जून 1947 में ही वॉज एन इंस्ट्रक्टर एट द क्या कहते हैं क्वेटा कैडेट कॉलेज, कैडेट कॉलेज क्वेटा में अफसर जो थे ना ट्रेनिंग के लिए जाते थे रिफ्रेशर्स कोर्स के लिए। तो याह्या खान वॉज अ वेरी ब्रिलियंट मैन बाय द वे। हाँ, ही वॉज जस्ट अ मेजर देन, वो इटली के अंदर वो जंग भी लड़े हैं, ही वॉज कैप्चर्ड बाई द आई थिंक वो कुछ जेल जुल भी काटी है,
ये तो बाद में उसे शराबी कबाबी का रोल बाद में किया, और वो शौकीन आदमी था वो एक और बात है, बट ही वॉज नॉट इनकॉम्पिटेंट इन दैट वे। वहां पे हो रही थी जून 1947 में ब्रेकअप पार्टी, यानी कि अब उन्हें पता था इंडिया डिवाइड हो गया, 3 जून को ऐलान हो गया था ना पार्टीशन ऑफ इंडिया का, कि अब ये भी ऐलान था कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो है वो भी डिवाइड होगी। तो वहां पे ये सारे पीने पुने वाले बैंक्वेट ये सारा वहां पे वो हुआ, तो इनके जो सुपीरियर थे कर्नल सक्सेना, उन्होंने मुबारकबाद दी कि भी हम सारे इकट्ठे थे, हम एक ही थे, अब आपका अपना मुल्क बन रहा है, वी विश यू ऑल द बेस्ट हियर। एंड याह्या खान गेट्स अप एंड सेज, सर व्हाट इज देयर टू सेलिब्रेट, टुडे इज अ डे ऑफ मॉर्निंग, टुगेदर वी वुड हैव बीन अ ग्रेट नेशन, नाउ वी विल स्टार्ट फाइटिंग वन अनदर। दिस इज याह्या खान स्पीकिंग, एंड इमेजिन मोर प्रोफेटिक देन एनीवन एल्स, यू कुड फोरसी कि ये कहां जाएगा। आयरनी इसे कहते हैं कि जब तुम फिर प्रेसिडेंट हो, फिर तुम एक स्टेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, वहां पे आप वही करेंगे जो आपकी स्टेट के बेस्ट इंटरेस्ट में आप सोचते हैं, समझ गए आप जी। तो याह्या खान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है क्या नहीं है, वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, और एक आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ वो उनके सारे जो कमांडर होंगे, सीक्रेट एजेंसीज होंगी, वो सारी होंगी, पीपल्स पार्टी की अपनी जो क्यादत है उसकी, कोई जो राइट विंग होगा उसकी ओपिनियंस होंगी, ऐसे बात बनती है। शेख मुजीबुर रहमान, आपने अभी 6 पॉइंट्स का भी जिक्र किया, उनके 6 पॉइंट्स या फिर मुजीबुर रहमान के जो आखिरी अय्याम है पाकिस्तान के साथ, उन्हें हम गद्दारी कह सकते हैं? देखो यार, गद्दारी तो वो क्या है कि टेक्निकली तो वो गद्दार नहीं थे, वो तो कह रहे थे मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हाउ कैन यू कॉल हिम गद्दार। आपने मिलिट्री एक्ट, उसे अरेस्ट करके ले आए यहाँ पे अपना फैसलाबाद लायलपुर में जी, और मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया 25 मार्च को। उसके बाद अगर फिर वहां पे वो एक मुक्ति बहिनी की मूवमेंट चली है, तो एक यही चॉइस थी, या वो चुप करके एक्सेप्ट कर लेते मिलिट्री एक्शन को, नहीं किया उन्होंने, उनको इंडिया से सपोर्ट भी मिल गई, समझ गए आप जी। अगरतला में शायद ये गए भी थे और वहां पे कुछ बातें भी हुई होंगी, दैट्स पॉसिबल, पॉलिटिशियन ये करते रहते हैं आगे पीछे जाके बातें, मगर अगर ये इन्हें पता था तो इन्हें इलेक्शन क्यों लड़ने दिया, अगरतला का तो पहले पता था ना, व्हाई डिड दे लेट 6 पॉइंट्स बी द बेसिस ऑफ एन इलेक्शन। इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाया था ना, उसमें था कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कुछ इलेक्शन कैंपेन में नहीं हो सकता, तो ये भी कर देते कि 6 पॉइंट्स इज सबवर्सिव ऑफ पाकिस्तान, वी विल नॉट लेट एनीवन कंटेस्ट इलेक्शंस, फाइंड अनदर प्लेटफॉर्म अनदर मैनिफेस्टो, नहीं किया इन्होंने। उसकी वजह है कि इनके पास कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है, ये एडहॉक थिंकिंग होती है, चंद जनरलों ने कह दिया, ब्यूरोक्रेट्स ने कह दिया, नहीं जी यह कर दो एंज हो जाएगा, और वो इन्होंने कर दिया बगैर सोचे समझे, क्योंकि इनकी कोई नेशनलिस्ट स्ट्रगल नहीं है भैया, इन्हें तो मुल्क मिल गया विदाउट वन डे ऑफ स्ट्रगलिंग अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, इनकी ओवरनाइट प्रमोशंस भी हो गई फ्रॉम मेजर टू ब्रिगेडियर, और आम डिप्टी कमिश्नर से ये कहां से कहां पहुंच गए। इस हिस्से का आखिरी सवाल, बांग्लादेश का बन जाना और ईस्ट पाकिस्तान का टूट जाना, ये टू नेशन थ्योरी की नाकामी थी? देखो एक और भी बात है, प्लीज, सिर्फ अप्रैल 1947 में ये डिसाइड हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा होगा, उससे पहले जो मूवमेंट थी वो ये थी कि ये एक होगा वेस्टर्न पाकिस्तान और एक होगा ईस्टर्न पाकिस्तान, टू इंडिपेंडेंट कंट्रीज। बाद में जब एक कांग्रेस ने कहा कि नहीं हम पंजाब और बंगाल में भी कराएंगे रेफरेंडम, पूरे ये प्रोविंस नहीं जा सकते पाकिस्तान को, तब वहां पे एक ग्रेटर बंगाल मूवमेंट शुरू हुई, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के भाई और ये जो हैं सोहरावर्दी, इन्होंने कहा कि नहीं हम एक यूनाइटेड बंगाल बनाएंगे,
मगर इसकी ओपोजिशन नाजमुद्दीन चाहते थे कि नहीं, बंगाल टूटे और मुस्लिम बंगाल जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, ये भी मेरा उस किताब में आ रहा है। तो इसके कई एंगल्स हैं और पाकिस्तान का हिस्सा ही वो बड़ी आखिर में मिले। अब वो जो पीसफुली अलग हो जाते तो अच्छा था, इतनी बड़ी सिविल वॉर के बाद होना ज्यादती है। दे आर बेटर ऑफ अलोन देयर। यार हमारा कोई तरीका ही नहीं उनके साथ एक स्टेट बनाने का, वाई? कोई हम अमेरिका थोड़ी है जो जाके एक और दुनिया में एक उन्होंने बहल हवाई वो है पैसिफिक में, ये वो उनके रिसोर्सेज और हैं, वो एक सुपर पावर है। हमें तो अपने खाने को नहीं था, कई साल तो अमेरिका से वो फ्री फूड आता रहा फ्रेंडशिप के साइन के तहत। ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन बाद में 60s 70s में हुई है, तो हमने अपनी बीट को दोबारा खाना शुरू किया है। और ईस्ट पाकिस्तान तो बिल्कुल भूखों था भैया, अब देखो हाउ वेल दे आर डूइंग, क्योंकि वो इंडिया के साथ टक्कर में नहीं आए हुए, उन्होंने उस पर स्पेंड कोई नहीं किया, उन्होंने अपनी औरतों के राइट्स को मजबूत किया, एनलाइटेंड हुकूमत है, बच्चे कम पैदा करते हैं, हाँ जी, औरतों को एम्पावर किया, हाँ जी, और वहां पे उनकी पॉपुलेशन जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो भी कम हो गया, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वहां पे तो कॉटन उगती कोई नहीं थी, देयर इज नो कॉटन इन बंगाल, ये तो सारा वेस्ट पाकिस्तान में से होता था। 60s के अंदर पाकिस्तान वॉज अ मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल कंट्री इन द थर्ड वर्ल्ड कह लें आप, हमारी वो भी ठंडी हो गई। वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गए, अच्छी भली इंडस्ट्रियल बेस को इन्होंने श्रिंक कर दिया। ठीक है, तो पाकिस्तान की तो कई कहानी है यार, they have no vision, they have never had a vision. और वहां पे क्या होता है, when you have no vision, use Islam. ये हमारा क्लासिकल है, क्योंकि जहां आप कुरान ले आएंगे, रसूलुल्लाह का जिक्र ले आएंगे, तो लोग फिर बोल नहीं ना सकते, ये चुप कराने का तरीका है। वरना सच्ची बात तो ये है कि तीनों खलीफों, हजरत उस्मान पे भी तनकीद मौदूदी ने की है, हजरत उमर के कई फैसलों पे तनकीद है, हजरत इमाम हुसैन की जो डिसीशन थी जाने की उस पर भी एक पूरी बहस है, और ये मुनासिब बहस है, इंसानों को पूरा हिस्ट्री में जज करना चाहिए। कैसे ही सिर्फ सिर्फ जिना साहब की कोई बात नहीं हो सकती, ये क्या बात है, आपने तो अपने जो मोहतरम है उनके ऊपर पूरी पोजीशंस ली हुई हैं। कुछ लोग इमाम उन्हें अमीर मुआविया कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, दोनों पास साइड्स पे आर्ग्यूमेंट्स हैं कि नहीं है, तो अगर वहां पे तब हो सकता है यार, तो आज क्यों नहीं ये दोबारा हम रिविजिट कर सकते हैं। ठीक है, इंसान को इस तरीके से ह्यूमिलिटी से देखना चाहिए। इनके पास ब्लैकमेल करने का एक ही तरीका है कि जहां मैं कोई ऐसी बात कर दूं, कुफर का ब्लैस्फेमी का लगा दो, और कभी सेक्टेरियन को भी लगा दो, अगर सेक्टेरियन मेरा नहीं मिलता तो कुछ कह दो कि ये तो वही डेरिया है, या जो मर्जी आप कहते हैं, ये तो है ही इंडियन एजेंट। मुझे कई लोग इंडियन एजेंट कहते हैं कि तुम इंडियन क्यों नहीं चले जाते, व्हाट कैन आई डू भाई, आई लव लाहौर एंड आई डोंट वांट एनी अदर प्लेस ऑन अर्थ एक्सेप्ट स्टॉकहोम जहां मैं रहता हूं। ठीक, मगर जो हिंदू और सिख यहां से गए हैं वो भी उतना ही लाहौर से प्यार करते हैं, ये भी सोचो जी। तुम्हारे बुजुर्ग महल यूपी से आए हैं, उनसे कभी पूछना, वहां की कहानियां सुनाती थी वहां की जो दादी मामा थे ना जी, हर एक को अपनी धरती से एक अजीब इश्क होता है जी, तो ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। रसूलुल्लाह भी आ गए मदीने तो मक्के को याद करते थे, बिकॉज दैट्स वेयर ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड। सो नाउ लेट्स नॉट टेक अवे द ह्यूमन फ्रॉम व्हाटएवर वी थिंक इज ग्रेट और व्हाटएवर, द ह्यूमन इज ओनली इंटरेस्टिंग जी। परफेक्शन तो खुदा में है भाई, उस रिश्तों में होगी, इंसानों में कहां पे परफेक्शन होती है। ये समझाइए कि जब मैं आपकी किताबों को पढ़ता हूँ या आपकी फाइंडिंग्स को देखता हूँ, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है किसी भी और हिस्टोरियन से जी, क्योंकि मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ ना। अच्छा, आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड आई हैव प्लेटो एंड ऑल द रेस्ट इन माय माइंड व्हेन आई एम राइटिंग। मैं आई राइट अबाउट हिस्ट्री बट आई एम नॉट अ हिस्टोरियन।
ये बहुत खूबसूरत जमला आपने ये कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बहुत बताना, खूबसूरत जमला है, ये बहुत खूबसूरत। क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि आपका एंगल गलत एक और है, तो उसकी मिस्ट्री ये है, मैंने आपको अपना ट्रेड सीक्रेट बता दी है। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, ये बताइए कि जो चीजें आपने फाइंड आउट की, जाहिर है ये रियासत को पता होगी, इतना बड़ा मैकेनिज्म रियासत हाँ इस जी, तरह हाँ नहीं जी, फैला सकती, तो रियासत की ये दाद तो बनती है ना कि उन्होंने इतनी इतने कमाल से आज तक इन सब पे पर्दा डाल के रखा और हमें एक अजीब से फसाड में डाला हुआ है सबको। हाँ ठीक है। वो ऐसे है कि इज गॉड ट्रूथ और ट्रूथ इज गॉड, आई बिलीव इन द लेटर। सच जो है ना, वो जितना भी आप छुपाओ वो वक्त के साथ आगे आ ही जाता है। तो ये जो सारी इनकी अपनी हरकतें हैं, उसी पे सवाल लोगों ने उठाए हैं, तो ये जो आप तलाश किए हैं ना, तो ये जो इन्होंने झूठ बताया था वो इनके लिए कन्वीनियंट था, अपनी हुकूमत को चलाने के लिए, अपनी जस्टिफिकेशन करने के लिए, तो वो करते रहे हैं सारे। मगर एक और कमाल है जिसका मुझे जिक्र करना चाहिए, कि प्लीज मेरी पंजाब की किताब भी जो है वो पूरी डिमोलिश करती है जो हम अपनी तरफ से नैरेटिव यहाँ देते रहे, मगर वो साथ साथ इंडिया का भी जो है ना ईस्ट पंजाब का नैरेटिव, उसको भी डिस्ट्रॉय करती है। क्योंकि हमने जाके उन लोगों से देखा जिनके घर में दुख हुआ, जिनके घर लूटे गए, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, औरतों के साथ जो हुआ, बच्चों के साथ जो हुआ, बुजुर्गों के साथ जो हुआ, और हर एक के अंदर जो इंसान के साथ जुल्म हुआ है, उसका हमने फेयरली जिक्र किया है। तो उस पे मुझे अवार्ड पाकिस्तान में मिल गए जी, भैया। मैंने पाकिस्तान देखा। इज अ फैंटास्टिक स्टेट दैट वे। मेरा तो ख्याल था मुझे पाकिस्तान में घुसने नहीं देंगे यार, ऑनेस्टली। दूसरी बात, प्लीज गैरिज्म स्टेट की किताब जो है वो भी आर्मी के ये के वीटो पावर्स हैं ये वो, मुझे आज तक कभी किसी ISI ने तंग नहीं किया, ऐसी झूठ मैं बोल दूं। उनको भी समझ आती है कि ये बंदा जो लिख रहा है ये क्रिटिकल तो जरूर है, बट ये किसी का एजेंट नहीं है, ये अपने जमीर का एक इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये भी होने दो। ये कहाँ कह रहा है कि पाकिस्तान जो है इसको खत्म कर दो। मैं तो कहता हूँ वर्डिक्ट ऑफ हिस्ट्री इज दैट देयर इज अ पाकिस्तान, एंड आई से कि इट शुड बी डिफेंडेड अगेंस्ट ऑल अग्रेशन। हम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर गुर्बत खत्म करो, जहालत खत्म करो, ये जो है जुबान के ऊपर तकसीम लोगों की, फिरके के ऊपर तकसीम, इसको मिनिमम करके इसे प्लूरलिस्ट बना दो यार। ये सब रूप हैं इंसान के। मेरे तो ये भी कहना है कि सारी मसाजिद जो है वो स्टेट ले ले, और जो है ना फ्राइडे का सरमन वो स्टेट हमें भेजे, और उसमें वेलफेयर की बात करें। आप मदीने की स्टेट की बात करते हैं तो वो आप यही कहते हैं ना, खिदमत बड़ी हुई थी। आप प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट की बात करें, आप इस किस्म की बातें करें, और जितने ये मौलवी हैं और ये सारे, इनको अपना आप ब्लैकलिस्ट कर दें। यू कॉन्ट गो अराउंड प्रीचिंग सेक्टेरियन हेट्रेड और ये और वो। द स्टेट विल, अगर ये मुसलमानों की स्टेट है तो वो माइनॉरिटीज के भी राइट बनाए और उनको रिस्पेक्ट करे, और मुसलमानों की अगर ये स्टेट है तो वहां पे फिर स्टेट और मस्जिद दो कैसे हो सकती हैं? ईरान में अलग है? नो। सऊदी अरेबिया में अलग है? नो। तो यहाँ कैसी है ये? ना, ये सेक्युलर स्टेट है। और मेरा एक और भी कहना, अब मौका तुम्हें दिया है कि मैं प्लीज कहता हूँ कि तबर्रा जो होता है ना खुलफाए राशिदीन के, इस पे पाबंदी लगाई जाए, मगर शियाओं की जो मातमी हकूक है वो पूरे प्रोटेक्ट करें लोग, वो भी उनका हक है। इमाम हुसैन का दुख करना इज एब्सोल्युटली देयर राइट, लेकिन खुलफा को जहां पे मेजोरिटी सुनियों की है, ओपनली बुरा कहना, दिल में आप जो मर्जी कहते रहे, ये भी आप ना करें, क्या जाता है आपका यार? आपकी इंसानियत ही आगे बढ़ती है ना। इश्तियाक साहब, तनकीद करने वाले ये तनकीद करते हैं आपके इस जुमले पे, वो शायद ये करें कि एक स्टेट जो आपने बनाई ही सेक्रेटेरियनिज्म पे, उससे आप हाँ, सेक्रेटेरियनिज्म खत्म कैसे कर सकते हैं? नहीं, सेक्टेरियन कहाँ बनाई थी? यही तो जिमना साहब का कमाल है। उनके पास शिया भी आए अपना फिकर से कि भी हम तो वहां पे मिनोरिटी होंगे, उनका ना इट विल बी अ नॉन सेक्टेरियन स्टेट। और सुनियों को उन्होंने कभी ये नहीं किया कि ये सुन्नी स्टेट होगी। खलीफाओं का जिक्र कोई नहीं किया, खलीफों का जिक्र तो नादिर गांधी ही जी ने करते हैं किया, अबू बकर और उमर का, जी। क्योंकि ही वॉज बेटर रेड।
इन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, इन्होंने मैंने बताया नहीं, सुन्नियों को कुछ कहा हुआ था, शियों को तो हमें पता है, इन्होंने जाके ये जो इस्माइली से निकले हैं तो ये असनाशरी हो गए, क्योंकि बीवी के साथ निकाह असनाशरी है, लेकिन उसको मरियम बनाया था एक सुन्नी मौलवी ने, वो बॉम्बे के एक सुन्नी मौलवी के पास ले गए थे। इसी तरह उनके जनाजे भी दो हुए, एक पब्लिक के लिए हुए। हाँ वही हुए, तो वो एक कमाल भी तो है ना फिर जी, ये कमाल भी है एक आदमी का, मानना पड़ेगा जी। यू मे नॉट लाइक हिज पॉलिटिक्स, यू मे हैव सीरियस डिस, बट यू कांट हेल्प एडमायरिंग हिम फॉर हैविंग मैनेज दिस। था उनके पास क्या, कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं थी, ना वो यूपी के थे, ना वो पंजाब के थे जो बड़े सूबे हैं, ना वो बंगाली थे, इवन वो उर्दू भी नहीं बोल सकते थे, उर्दू भी नहीं थे बोल सकते, तो उनके अंदर जो वो करिश्मा है वो डिनाई नहीं हो रहा यार, आई एम नॉट डूइंग दैट, और होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, व्हाई शुड आई। जैसे आपने कहा ना कि इंसान को इंसान की हैसियत से देख के देवता ना बना के डीकंस्ट्रक्ट करना चाहिए ताकि आगे बढ़ सके। हाँ मैं तो कहता हूँ देखो गांधी के ऊपर अब बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है, ये उसने किया, तो वो कर रहे हैं ना, ये स्ट्रेंथ है कल्चर की। नेहरू पे तो रोज इल्जाम लगता है कि ये तो मुस्लिम, ये तो हिंदू था ही नहीं, पता है आपको ये इल्जाम है। जी, जी, जी। हाँ कि ये हराम की औलाद थी और पता नहीं क्या क्या बेचारे के मुतल कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने हिंदू राजधानी बनने दी, और कोई इतराज नहीं है इनको उस पर। इश्तियाक साहब ये मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है? क्या अब भी हम सोचते हैं कि हम शायद मुसलमान खिलाफत बनाएंगे या हम सेक्युलर बनेंगे? यार ये आप तो फिर क्यों ऐसे सवाल कर रहे हैं कि आप मुझे सुनते ही नहीं रहे सारी आज, नहीं, बिल्कुल सुनता सारे रहा, दिन मैं सुनता रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ मैं चीज तो कह रहा हूँ कि कैटेगोरिकली पाकिस्तान का प्रॉब्लम रैशनल प्रॉब्लम तो है ही नहीं, इनका तो आइडेंटिटी प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान सेक्युलर स्टेट नहीं है जी, मगर ये एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम स्टेट बन सकती है, क्योंकि ये बनी स्टेट मजहब के नाम पे है ना यार, मगर ये सेक्टेरियन स्टेट जिना साहब का बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सेक्टेरियन बाय नेचर थी, जहां पे सुन्नी मेजोरिटी होगी तो उसी का आखिरी स्टैंप होगा ना, और उसमें से भी बरेलवी निकल आए हैं, हालांकि बड़ी देर तक देवबंदी डंडा चलाते रहे हैं जी, मगर मेजोरिटी तो ये बरेलवियों की है, तो अब बरेलवी डोमिनेट करते हैं। ये जो दो तीन कत्ल हुए हैं सलमान तासीर का और वो बेचारा जो था शहबाज, और फिर ये जो प्रोफेसर मार दिया यहाँ पे भावलपुर में, ये सारे उसके वहां फॉलोअर्स हैं बरेलवी स्कूल के, जी, जो कहते हैं हम आशिक रसूल हैं। किसी देवबंदी ने ऐसी कोई बात इतनी एक्सट्रीम नहीं की पर्सनल उसके ऊपर। आपने बीच में फौज की बात की थी, तो मुझे ये सवाल करने दीजिए, आज की तारीख में आज फौज हमारा मसीहा है या फौज हमारा मसला है? I think this is a rhetorical statement. मैंने तो सवाल सिर्फ रखे आपके आगे, आपने कर दिया ना, लेकिन ये इसका कोई एक इजी जवाब नहीं है। बात यह है कि अगर फौज ना हो तो पाकिस्तान के सूबे शायद पसंद ना करते हो मिलके रहने के। बलोचिस्तान में आजादी की डिमांड है, सिंधियों में एक बहुत है कि हम अपना सिंधु देश ये वो बनाएंगे, पख्तून तो बड़ी देर से आपको पता है जी, वो फ्लर्ट करते हैं कभी अफगानिस्तान से कभी ये, तो बीच में पंजाबी रह जाते हैं और जो उर्दू स्पीकिंग आए थे वो रह जाते हैं। तो फौज इज द गारंटर ऑफ वट एवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान इज पॉसिबल। इसको मजबूत कराने के लिए सिर्फ फौज का रोल नहीं होना चाहिए, वो गारंटर होनी चाहिए, आपके पॉलिटिकल चेंजेस आने चाहिए जिसमें जो जिस छोटे सूबे हैं उनको उतना ही राइट मिले और उनके भी इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर आ जाए बजाय बाहर के, वो पॉलिटिक्स है, उधर नहीं है आते। ठीक है, अभी 18th अमेंडमेंट आई है, अब उसे कोशिश हो रही है कम कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, भाई आर्मी पे इतना क्यों, ये मैं ओपनली कहता हूँ, व्हाई डू यू नीड सो मच एक्स्ट्रा फंडिंग फॉर द मिलिट्री, वो बढ़ा भी दिए इन्होंने जबकि यहाँ पे इकोनॉमी जीरो है, पता है हम तो बैंकरप्ट है टेक्निकली। इस मैं सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बताता चलूं कि इस साल हमारी जीडीपी ग्रोथ -1.4%। हाँ तो व्हाई डू यू नीड द इंक्रीज द बजट फॉर द डिफेंस, व्हाई, और एजुकेशन और हेल्थ पे आपने कम किया है, ये क्या स्टेट पॉलिसी है भाई?
द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज इट स्ट्रॉन्ग इनफ कि ये हम इस आइडिया के साथ जिंदा रह सकते हैं? No, I don't know this. What does it mean? The idea of Pakistan. There is a Pakistan, so it's not an idea. Okay. There is a Pakistan. So why call it an idea? The idea of Pakistan, as I said, is there is no idea. There are ideas of Pakistan. कोई इस्लामिक है, कोई ये है, कुछ वो है. तो देर आर नो आइडियाज ऑफ पाकिस्तान. इंडिया में तो आइडिया ऑफ इंडिया है ना, और बहुत उस पर काम पुराना है. जवाहरलाल नेहरू के पढ़ लो ना, ग्लिम्सेज ऑफ हिस्ट्री और ये सारा कुछ कईयों ने लिखा है. वहां पे तो वो इंटेलेक्चुअल्स थे ना, इन्होंने तो कुछ भी नहीं लिखा. जिना साहब की सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, एक लिखा हुआ प्रॉपर आर्टिकल भी नहीं है. हाँ, तो ये तो एड हॉकिज्म के बुनियाद पे इन्होंने मुल्क लिया भैया. बट नाउ 73 इयर्स इज ओल्ड इनफ. यू आर ए न्यूक्लियर पावर, और दुनिया का असूल है कि न्यूक्लियर पावर को कोई भी तंग नहीं करना चाहता. मगर अगर आप दुनिया को तंग करना चाहेंगे तो फिर आपके सब खिलाफ हो जाएंगे ना. ये भी तो ये यहाँ यहाँ हमारी वी डोंट थिंक बियॉन्ड आवर नोज भाई कि वी आर न्यूक्लियर पावर. और मैं क्या, बाकी व्हाट अबाउट देम? तुसी करोगे तो तुहानू उड़ा देंगे. हाँ जी इश्ताक साहब, आखिरी चीज मुझे ये बताइए कि अब जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि हमें आगे देखना चाहिए, हमें पॉपुलर बनना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में कि जब हमारा सियासी सिस्टम भी वर्क नहीं कर, आर्मी भी कहीं ना कहीं इंटरवीन करती है, मजहब को भी हमने इस्तेमाल किया, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स क्या हैं? हम आगे बढ़ें कैसे? सोचना तो अच्छी बात है कि पॉपुलर बन जाए, बट बढ़ें कैसे? असल में अगर मेरे पास कोई ऐसा हो ना फॉर्मूला तो मैं बता देता, बट आई वुड नॉट क्लेम कि मेरे पास है. आई कैन ओनली टेल यू कि ये सिम्टम्स हैं, ये डिजीज है. उसकी ट्रीटमेंट जो है वो तो यही है कि यहाँ पे मजहब का रोल कम से कम किया जाए, प्राइवेटाइज किया जाए. आप उसको मुस्लिम स्टेट जरूर कहें, बट प्रैक्टिकली रिलीजन शुड नॉट बी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. दिस इज वन. सेकेंड इज द स्टेट मस्ट हैव इट्स प्रॉपर प्रायोरिटीज करेक्ट. पाकिस्तान कैन डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट एनी एग्रेशन, आई एम श्योर. तभी इंडिया ने कभी डेयर नहीं किया. जब से न्यूक्लियर पावर बन गई है पाकिस्तान, चांस भी नहीं है, हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकते कोई. इवन अमेरिका हैज टू थिंक वन और टू. छह मिनट उन्हें लगेंगे ये करते करते, लेकिन छह मिनट बहुत लंबे होते हैं ना. उसमें हम बम तो चला सकते हैं कहीं ना कहीं. ओके जी जी. सो नोबडी एक्चुअली वांट्स पाकिस्तान अनडन. एक और भी बात सुन लो प्लीज. ये सारी दुनिया का जो निजाम बना है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स. अगर कोई टेरिटोरियल स्टेट डिसइंटीग्रेट होती है तो रेफ्यूजी फ्लोज मिडल ईस्ट में नहीं जाती, साउथ एशिया में नहीं जाती, वो सारी यूरोप में जाती है. अभी हमारे सामने लेबनान से लोग आए, वहां पे लीबिया से आए, इराक से आए, अब फिर लेटेस्ट सीरिया से आए. यूरोप इज नॉट विलिंग टू टेक मोर रेफ्यूजीज. तो दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान तो है भी 220 मिलियन यार, ये सीरिया तो पता नहीं 20 मिलियन है या 30 मिलियन है या कुछ ऐसे इनके फिगर्स हैं, और आधे बाहर गए हैं, 24 मिलियन शायद. और इराक भी छोटा सा मुल्क है. अगर 1 मिलियन भी पाकिस्तानी और चले जाए, उनका सारा सोशल सिस्टम कलेप्स कर जाएगा. तो नोबडी रियली वॉन्ट्स टू अनडू पाकिस्तान. इट्स ओनली पाकिस्तानी हु लव टू लिव इन दिस फेयर, एंड दे डू स्टूपिड थिंग्स, नैरो माइंडेड थिंग्स, डायरेक्शनलेस थिंग्स, मीनिंगलेस थिंग्स. मैं कहता हूं तुम्हारी स्टेट है, तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी भी कायम है, काम करती है, लोगों को तनख्वाह मिलती है, लोग दफ्तर जाते हैं, तो एक सोसाइटी स्टेट सोसाइटल फैक्टर्स तो सारे कायम है ना. उनको एफिशिएंट बनाना, उनको अकाउंटेबल बनाना, ये तो एफर्ट ही होगा ना. तो ये तब है कि आप इंडिया से कॉन्फ्रंटेशन खत्म करें, आप इंडिया के साथ मुनासिब गुड नेबरली रिलेशन सार्क के फ्रेमवर्क में बनाएं, उनके साथ ट्रेड करें, चाइना के साथ भी करें, मगर ओपन हो, हमें पता हो किस बुनियाद पे हो रही है.
सिपेक से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वी डोंट नो। इंडिया से जो भी हो ओपन हो, अगर हम उन्हें कुछ दें तो उनसे कुछ लें भी, क्योंकि आफ्टर ऑल हम स्टेट है, सॉवरन है। ये है आगे बढ़ने का तरीका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नंबर वन, सिक्योरिटी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट एक स्टेट के लिए, वो आपकी कायम है, उस पर कुछ कुछ हमला नहीं हो सकता। आप न्यूक्लियर पावर के बाद और बनाना शुरू कर दें तो यार यू आर वेस्टिंग योर, क्या आप इंडिया पे न्यूक्लियर बॉम्ब चला सकते हैं? नहीं। चला भी आप दें उनका दिल्ली कर देंगे ना तो वो लाहौर और इस्लामाबाद नहीं कर देंगे, कराची नहीं उड़ा देंगे। सो व्हाट इज द बिग आइडिया अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स? एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन्स ओनली इंक्रीज द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। यही लोग अगर यहाँ पे मिलके, अब तो हिंदू नेशनलिज्म वहां पे है तो पहले बात एक और तरी, अब तो उनसे भी इतनी बहस करनी पड़ती है समझाने के लिए, लेकिन वो एरोगेंट है कि हम कामयाब हो गए हैं। मगर हमारे इंटरेस्ट में है कि वी शुड नॉट बी इन ए कॉन्फ्रंटेशन। बांग्लादेश ने कॉन्फ्रंटेशन छोड़ के कितना कमाल किया है, हम क्यों नहीं कर सकते? जो अयूब खान की और नेहरू की हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी, 80% उन्होंने पानी दे दिया था पाकिस्तान को, तो वो तो पीसफुल हालात में नहीं हुई, गुड फेथ में, और वो आज तक चल रही है, 2-3 चंगे भी हो गई। जो गुड डीड्स होती हैं वो गुड डीड्स ही होती हैं यार, तो कभी अपने लीडर्स को अकाउंटेबल भी समझो ना। हर बात उनकी दुरुस्त है, हर बात दूसरों की गलत है, फलाना काफर है, हम मोमिन है, जन्नत हमारी है, ये हेल में जाएंगे, यार ये एक प्रिमिटिव सोसाइटी के वो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाइनरी आर्गुमेंट्स हैं। इस धरती पे तो हम सब रहते हैं ना, खाना पीना, महफूज रहना, सेहत का ख्याल रखना, ये चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई और हो, उसका तो सब एक ही है, खून का रंग भी एक ही है, 3-4 ग्रुप ही है दुनिया के खून के। मेरे ही, मैंने DNA चेक कराया तो मेरे जो रिश्तेदार निकल आए हैं, मैं तुम्हें बता दूं तो कमाल ही हो जाए। हाँ, कहाँ तक निकल आए हैं यार, ये सब बकवास है। ह्यूमैनिटी को मान लो, ये अव्वल है, इसमें आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम ये जो हमारी सूफी पोएट्री है, और इसके अंदर बहुत बहुत कमाल की बातें हैं, जलालुद्दीन रूमी और बाबा बुल्ले शाह और शाह लतीफ भिटाई, और ये इनका कमाल है जो ये बात उस जमाने में कर गए हैं। आप उधर आते ही नहीं, आप उन्हें पीर बना देते हैं और वहां से तवीज खरीदने शुरू कर देते हैं, हालांकि वो तो बागी थे उस जमाने के। ये सोच की बात है यार जी, ये बात। इश्तियाक साहब, थैंक यू सो मच, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।